तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज राउथ क्राइटेरिया। आई होप आप सभी लोगों को सिग्नल फ्लो ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप लोगों को टाइम रिस्पांस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप सभी लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए होंगे, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर इतनी क्लैरिटी है तो एक बार चैट बॉक्स में यस नो यस नो में आंसर कर दो। आज का जो सेशन होने वाला है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आज के सेशन में हमको क्लैरिटी के साथ डिस्कस करने हैं। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ टीम द्रोणा। और ये जो गेट का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें ऑलरेडी आपके मॉर्निंग में चंदन सर आते हैं जो डिजिटल आपका करवा रहे हैं, इवनिंग में मैं आपका कंट्रोल करवा रहा हूँ, और आपका नेटवर्क का अभ्यास खत्म हो चुका है। आई थिंक आज आप लोगों ने वरुण सर से मशीन का अभ्यास किया होगा, और ईडीसी में नवीन सर ने आप लोगों का अभ्यास वाला सेशन लिया होगा। तो वो दोनों सेशंस भी आप लोग करते रहिए, खासकर उन लोगों की जिनकी तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, या जो लोग और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनकी तैयारी किसी वजह से रुक गई थी वो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कंट्रोल सिस्टम में जिन्होंने शायद एसएफजी वाला लेक्चर मिस कर दिया था, शायद टाइम रिस्पॉन्स वाला लेक्चर मिस कर दिया था, वो लोग यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि राउत वाला चैप्टर टोटली नया होता है, यहां से भी आप नया पिकअप ले सकते हो। ठीक है, परफेक्ट है, चलो वेरी गुड। आई थिंक सभी लोगों को वॉइस और वीडियो में क्लैरिटी है, वॉइस और वीडियो सभी को क्लियर है। तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, सभी लोग शुरू करते हैं, दो तीन मिनट का टाइम लेते हैं। मीन वाइल मैं आपके चैट्स देख लेता हूँ। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो आज के सेशन के बाद एक डीपीपी आपको और देंगे, राउत की डीपीपी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, कल के सेशन में फिर स्टडी स्टेट एरर की बात करेंगे। जैसा मैंने लास्ट सेशन में बताया भी था आप लोगों को कि एक बार हम लोग राउत अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्टेबिलिटी का आइडिया ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टडी स्टेट एरर की भी चर्चा करेंगे कल के सेशन में। ओके, तो चलो भाई शुरू कर दिया जाए सेशन आज का। क्रैश कोर्स का पूरा शेड्यूल आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है ना। आई थिंक आप लोगों को, आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया होगा यूट्यूब पे, तो सेशन अटेंड कर लीजिए, आपको सारा शेड्यूल ऑलरेडी बताया जा चुका है। ओके, तो 31st December तक आपका पूरा का पूरा शेड्यूल खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट ईसी का शायद 23 December को ही खत्म हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल का शायद 30th December तक जाएगा। फाइन, एप्टीट्यूड आपका वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, मैथ्स आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एप्टीट्यूड आपका वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, मैथ्स आपका नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। मैं ही लूंगा आपका मेन चैनल गेट वाला पे, टाइमिंग आपकी होगी 4 से 5:30, तो 1.5 घंटे का एक स्लॉट रहेगा जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स की डिटेल में चर्चा करेंगे। मैथ्स में 13 नंबर की पूरी तैयारी आपकी उसी चैनल से हो जानी चाहिए। ओके, चलो परफेक्ट, शुरू किया जाए आज का सेशन। मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक है, इतनी ठीक है कि क्लास आपकी कंप्लीट की जा सकती है, बाकी तबीयत तो ठीक खराब होती रहती है। अल्टीमेटली आपका लेक्चर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, चलो परफेक्ट, चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसका एक समरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के सेशन में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम में इंटरेस्टेड है। LTI सिस्टम का मतलब हो गया जो सिस्टम आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ रहे हो, है ना। आपने RS का इनपुट लगाया, इधर CS मिल गया, बीच में आपको GS/1+GSHS मिल गया, उसी सिस्टम को आप अभी LTI सिस्टम के तौर पर कंसिडर करो। ठीक है, अब ये जो सिस्टम आपका बीच में आपको दिख रहा है, अब हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कंसर्न है कि भाई ये जो सिस्टम बीच में दिख रहा है इसकी स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ध्यान से मेरे एक एक स्टेटमेंट को सुनना। अच्छा, कॉपी पेन लेके पहले सभी लोग बताओ रेडी हो गए हो, क्योंकि शुरुआत का ही 10 मिनट ना आपका टोन सेट कर देगा आज के लेक्चर का। शुरुआत के 10 मिनट में ही आपको ना पूरे के पूरे लेक्चर का एक समरी मिल जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा भाई किस तरीके से मुझे आज के सेशन में अप्रोच रखनी। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ, जल्दी बताओ भाई सभी लोग रेडी हैं। परफेक्ट परफेक्ट, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा ना सिस्टम है, एक सिस्टम मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब इस सिस्टम में मैंने इनपुट डाला, ठीक है, इस सिस्टम ने इस इनपुट को प्रोसेस करके एक आउटपुट जनरेट किया, इसको प्रोसेस किया, आउटपुट जनरेट किया। अब यहाँ पे बीच में हमको एक सिस्टम दिख रहा है, ये सिस्टम क्या हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको HS से रिप्लेस कर लेता हूँ। अब ये HS की वैल्यू यार GS/1+GSHS हो सकती है, GS/1-GSHS हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब आप मान के चल सकते हो ये कोई सिस्टम है। ठीक है, अगर क्लोज लूप है, अगर ओपन लूप है तो आप में से कोई बोलेगा कि सर इसको हम GS ही लिख सकते थे क्या, लिख सकते हो भाई। किसी भी तरीके के HS को हम एक सिस्टम के तरीके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी सिस्टम को हम लोग LTI सिस्टम के तौर पे लिख दे रहे हैं कि भाई ये हमारा एक LTI सिस्टम है। सही बात है, ठीक है। तो सपोज ये एक LTI सिस्टम है, एक इनपुट लगाया, आउटपुट मिल गया, ये बीच में आपको दिख रहा है HS। अब इस HS के बेसिस पे हमको बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए,
तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग से स्टेटमेंट निकलता है कि सर अगर सिस्टम को स्टेबल होना है तो उसके सारे के सारे पोल्स जो हैं वो LHP पे होने चाहिए। आप में से कितने लोग स्टेटमेंट से अग्री करते हो कि सर ये स्टेटमेंट तो हमने जाने अनजाने में पता नहीं कितनी बार सुना है, किसी ने बताया है, कई बार हमने क्वेश्चंस में भी यूज किया है, आंसर भी सही आ गया ऐसे यूज करने से, और ये स्टेटमेंट एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेटमेंट है, हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट है ना, तो सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना होगा। अब मैं क्या बोलता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सच नहीं है। अगर आपसे कोई बोले कि किसी भी सिस्टम के सारे पोल्स स्ट्रिक्टली LHP पे लाई कर रहे हैं और वो सिस्टम स्टेबल है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है। इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है स्टेटमेंट में? इस स्टेटमेंट में एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। अगर मैं ये मेक श्योर कर लूं कि जो मेरा सिस्टम है वो कॉजल है, उसके बाद अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी कि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए क्या रूल होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम एक कॉजल सिस्टम ले लें तो उस कॉजल सिस्टम के अगर सारे के सारे पोल्स LHP पे लाई कर रहे हैं तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। यानी कि आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा कि सर क्या कुछ ऐसे केसेस भी बन सकते हैं जिसमें पोल अगर RHP पे आए तब भी सिस्टम स्टेबल हो जाए? बिल्कुल बन सकते हैं। वो सारे केसेस कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो आप? सिग्नल सिस्टम में। सिग्नल सिस्टम में ऐसे बहुत सारे केसेस करवाए जाएंगे जहां पे आपके सामने एक नॉन कॉजल सिस्टम आएगा, उस नॉन कॉजल सिस्टम में आपके पोल्स RHP में होंगे तब भी आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ROC का जो अल्ट जो क्योंकि जो सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी का अल्टीमेट क्राइटेरिया होता है ROC का जी ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करना, या फिर जो आपका ये HS है, इस HS से आप जो HT कैलकुलेट करोगे उसका एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल होना। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में अभी ना जाते हुए आसान भाषा में मैं आपको ये समझाऊं कि आप ये बस बोलो कि सर अगर सिस्टम कॉजल है तो पक्की बात है सिस्टम को स्टेबल होने के लिए सारे के सारे पोल्स LHP में होने चाहिए। कितने लोग अब इस स्टेटमेंट पे अग्री करते हैं? और नॉन कॉजल में क्या होगा, एंटी कॉजल में क्या होगा, उसमें हम लोग क्या स्टेटमेंट देंगे, वो अगेन मैंने पूरी की पूरी वो जिम्मेदारी सौंप दी सिग्नल सिस्टम के ऊपर। जब सिग्नल सिस्टम पढ़ना, उन सारे केसेस की चर्चा करना। कंट्रोल सिस्टम जब आप पढ़ते हो, जब आप नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते हो, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट सारे के सारे सिस्टम हम कॉजल कंसिडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेहिचक ये स्टेटमेंट दे पाते हैं कि किसी भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए उसके सारे के सारे पोल्स LHP पे होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट कितने लोगों को क्लियर है, दिमाग में फिट हो जा रहा है कि सर अभी बाकी की बातें हम छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं, आप अभी जो कॉजल के साथ स्टेबिलिटी लिंक करा के बोल रहे हो उसमें हम लोग कंफर्टेबल है। यानी कि पहला स्टेटमेंट मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे डिस्कशन में, इनफैक्ट पूरे कंट्रोल सिस्टम में ही हम कौन से सिस्टम्स की चर्चा करने वाले हैं? यार हम चर्चा करने वाले हैं कॉजल सिस्टम्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन कि हम लोग कॉजल सिस्टम्स की बात करेंगे। यानी अब हम फ्री हो गए, अब हम फ्री हो गए, अब हम आग बंद करके बोल सकते हैं कि पोल्स लेफ्ट हाफ साइड में है तो सिस्टम स्टेबल, पोल्स राइट हाफ साइड में आ गए तो सिस्टम अनस्टेबल। इतनी बात अगर आप सभी लोगों को क्लियर है तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़े से कुछ पॉइंट्स मैं इसमें और एड ऑन करता हूं जो आप थोड़ी देर में देख लेना, फिर हम बेसिकली उसी पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए किसी भी LTI सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ना एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स को जल्दी से मैं क्विकली रिकॉल करवा देता हूं। ठीक है, तो फॉर एन LTI सिस्टम टू बी स्टेबल फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। सबसे बेसिक टेक्निक आपकी कौन सी होती है? बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट वाली, है ना। यानी कि अगर किसी भी LTI सिस्टम में हम बाउंडेड इनपुट्स डालें और उसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमेशा बाउंडेड आता जाए तो ऐसे सिस्टम को हमेशा स्टेबल सिस्टम बोला जाता है। यानी कि दुनिया में जितने भी बाउंडेड इनपुट्स एग्जिस्ट करते हैं, मान लो दुनिया में 1 करोड़ बाउंडेड इनपुट एग्जिस्ट करते हैं, तो हर एक बाउंडेड इनपुट के लिए वो सिस्टम बाउंडेड आउटपुट देना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस सिस्टम को आप स्टेबल बोल सकते हो। ये एक क्राइटेरिया है जो अगेन आप सिग्नल सिस्टम में इसको कवर करोगे, इसमें भी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपके पास कोई LTI सिस्टम है तो उस LTI सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स, यानी कि ये जो H(T) आप देख रहे हो ना, उस वो एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है कि ये जो H(T) आप देख रहे हो इस पे मॉड लगाओ, मॉड लगा के माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जो इसका एरिया आना चाहिए वो एरिया इसका फाइनाइट आ जाना चाहिए। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को, है ना।
जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। पहला टूल तो ये हो गया कि सिस्टम है उसमें दुनिया में 1 करोड़ इनपुट्स लगाते जाओ, सारे के सारे बाउंडेड इनपुट्स, और आउटपुट अगर बाउंडेड आते जाए तो सिस्टम को स्टेबल बोल देना। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि आप उस सिस्टम का एच ऑफ टी निकाल दो। एच एस से एच ऑफ टी निकालना आपको आता है, सिस्टम का एच एस दिया है उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लो, एच टी मिल जाएगा। एच टी पे मॉड लगाओ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो डी टी के रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो आप बोल दो कि हाँ हमारा सिस्टम स्टेबल है। कहने का मतलब है एच ऑफ टी इंटीग्रेबल वर्ड हमें यूज नहीं करना है, एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल वर्ड यूज करना है। एब्सोल्यूटली का मतलब होता है पहले मॉड लगाएंगे उसके बाद माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट इसकी इंटीग्रेबिलिटी टेस्ट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि अगर आपको एच टी से भी संतुष्टि नहीं मिल रही तो आप एच ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, जिसको कि बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ये आप कैलकुलेट करिए। जब भी आप बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हो तो उसके साथ एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एसोसिएटेड होता है, जिस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ही इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है। ठीक है, तो जो ये रीजन होगा इसी में इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। तो अगर आपने इसकी आरओसी कैलकुलेट कर रखी है तो बस ये चेक कर लो कि क्या इसकी आरओसी जी ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो बोल देना सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा आप लोगों को टूल्स बता दिए, इन टूल्स में से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, बस एक हल्का सा दिमाग में फ्लो हो जाना चाहिए ताकि कल को आप सिग्नल सिस्टम पढ़ो और सिग्नल सिस्टम में ये चीज़ें डिस्कस हो रही तो आपको बस मेरी बात याद आनी चाहिए कि अच्छा सर ने कंट्रोल सिस्टम में कुछ कुछ ऐसा बताया था, उसका रीजन अब जानने को मिल रहा है, क्यों बीबो के फॉर्म में स्टेबिलिटी होती है, क्यों एच ऑफ टी को एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल बोलते हैं, कहां से आरओसी का कंसेप्ट आ जाता है। समझ गए ना, याद कुछ नहीं रखना अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ है। इसके बाद जो डिस्कशन होने जा रहा है उसमें आप मेरे साथ साथ चलते चलेंगे और वो बड़ा मजेदार डिस्कशन है, उस डिस्कशन में फिर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है ना, एच एस का मतलब टोटल ट्रांसफर फंक्शन हो गया ना, अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, ये देखो यहां पे मैंने बताया ना, आप शायद थोड़ा लेट है, ये एच एस का मतलब जो भी आप सिस्टम को जो थोड़ी देर पहले आप टी एस बोल रहे थे जी एस अपॉन वन प्लस, इसको ना आप एच वन एस कर लो नीचे, अगर यहां से आपको डाउट हो रहा है तो मैं इसको एच वन एस लिख देता हूं, सो दैट यस है ना। तो एच एस का मतलब जो टी एस आप बोल रहे थे यार, है ना, ये देखिए ये जो टी एस आप बोल रहे थे उसी को मैं अभी एच एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज नीडेड। अभी तक के डिस्कशन में क्या याद रखोगे, कुछ याद नहीं रखेंगे, सुना भूल गए काम खत्म, एक बार सुन लिया बाद में सिग्नल में पढ़ेंगे डिटेल में चीजें याद रहेंगे। चलो अब जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ना उसमें आप मेरे साथ साथ रहिए और बहुत मजेदार डिस्कशन होने वाला, बहुत मजा आएगा इसमें आपको। ठीक है, चलो सिस्टम की कॉजैलिटी मैं फिक्स कर देता हूँ। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम में जितने भी सिस्टम्स हम पढ़ने वाले सारे के सारे कॉजल सिस्टम्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले। अब कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कोई भी कॉजल सिस्टम स्टेबल कब होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। सपोज मैं सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिख लेता हूँ, सिस्टम का मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, आप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करके लाइए, चाहे जहाँ से कैलकुलेट करके लाइए, जैसे ही आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा तो ट्रांसफर फंक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, टी एस इज इक्वल टू टी एस बाई आर एस। टी एस बाई आर एस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ न्यूमरेटर में दिखेगा, कुछ डिनोमिनेटर में दिखेगा, है ना। एन एस का मतलब हो गया न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, डी एस का मतलब हो गया डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। अब अगर मैं यहाँ पे डी एस को जीरो कर दूँ तो मेरी बात को ध्यान से सुन के आप बताइएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसा लिख सकता था क्या, दैट रूट्स ऑफ डी एस विल बी इक्वल टू पोल्स ऑफ टी एस। कितने लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं कि सर ये तो बहुत लॉजिकल बात आप बोल रहे हो, किसी भी सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल निकाल लो और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट कर लो, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे वही तो सिस्टम के पोल हो जाएंगे ना। यस, तो इस बात पर भी हम लोग अग्री करते हैं, यानी कि आगे से अगर मैं दो वर्ड्स दो स्टेटमेंट्स बोलता हूँ तो दोनों स्टेटमेंट्स में क्रिस्टल क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ डी एस के रूट्स कैलकुलेट करो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि सर इसका मतलब आप डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हो, अग्रीड। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिस्टम के पोल्स कैलकुलेट करो तो आप बोलोगे सर सेम ही चीज़ है, हम डी एस के रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वहीं से सिस्टम का पोल कैलकुलेट हो चुका है। तो ये दो अलग अलग बातें आप आगे से मत बोलो, या तो आप ये बोल दो कि सिस्टम के पोल कैलकुलेट करो या तो ये बोल दो कि डी एस के रूट्स कैलकुलेट करो। तो कोई ऐसा है जिसको रूट्स और पोल्स वर्ड्स में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, या रूट्स और पोल्स वर्ड्स को आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो? सभी लोग रिलेट कर पा रहे हैं। डी एस में जब भी वर्ड बोलूंगा तो आपको मेरे मुँह से रूट्स वर्ड निकलता हुआ दिखाई देगा, जब भी मैं सिस्टम वर्ड बोलूंगा उस टाइम पर आपको मेरे मुँह से पोल्स वर्ड निकलता हुआ सुनाई देगा। तो पोल्स जब मैं बोलूंगा जब मैं सिस्टम वर्ड यूज करूंगा, रूट्स वर्ड तब मैं बोलूंगा जब मैं डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल या डीएस की मैं बात करूंगा। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? फटाफट जल्दी जल्दी चलते जाओ यार मेरे साथ में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बेहतरीन। चलो आ जाओ अब लोकेशन ऑफ पोल्स वर्सेस स्टेबिलिटी खेलते हैं, तो उसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहीं पर आना चाहता था,
थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं लोकेशन ऑफ पोल्स वर्सेस स्टेबिलिटी, ठीक है। अब यहां से ना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलनी चाहिए। आइए देखिए, एक एक करके ना कुछ केसेस हम लोग कंसिडर करते हैं। ये देखिए केस वन, आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। आप ना मुझे बताते जाना कि ये सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये लीजिए केस वन, ये देखो ये सिग्मा, ये जियोमेट्री। मैं ना यहाँ पे ना पोल्स की प्लॉटिंग कर रहा हूँ। केस वन में मैंने कोई सिस्टम लिया, सपोज मैंने ये टीएस ले लिया और टीएस के पोल्स को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। आप देखते जाइए, सपोज मैंने पोल्स ऐसे प्लॉट किए, बताओ सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल? कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा यार भर दो, जैसे मैं देखूंगा मुझे सही आंसर दिखना चाहिए। ये एक सिस्टम, सिस्टम के पोल्स की लोकेशन कुछ ऐसी, ये सिस्टम आप स्टेबल कैटेगरी में रखोगे, अनस्टेबल कैटेगरी में रखोगे? एवरीवन स्टेबल, परफेक्ट स्टेबल है ना। अब हम ये मान चुके हैं सिस्टम कॉजल है, अब हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे पोल्स अगर लेफ्ट हाफ साइड में है सिस्टम स्टेबल होगा, बात वहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। क्लियर है बात सभी लोगों को? परफेक्ट परफेक्ट। तो अगर पोल्स ऐसे आते हैं तो आप बोलोगे सर सिस्टम स्टेबल है, हमें कोई डाउट ही नहीं। केस टू पे चले, सभी लोग चलना चाहते हैं केस टू पे, आ जाओ फटाफट केस टू पे आओ, ये लो ठीक है। केस टू, केस टू में देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे लिया टीएस, टीएस के मैंने पोल्स की कैलकुलेशन की। जैसे ही मैंने टीएस के पोल्स कैलकुलेट किए, टीएस के पोल्स की लोकेशन मुझे कुछ ऐसी दिखनी शुरू हो गई। ये है टीएस के पोल्स की लोकेशन, ये सिग्मा, ये यहाँ पे हमने कर लिया जी ओमेगा। टीएस के पोल्स ना मुझे ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, बताओ स्टेबल अनस्टेबल? अरे बोलो भाई, सबको बोलना है, जितने भी लोग हैं सेशन में, राउत क्राइटेरिया आज का सेशन खत्म होते होते हमारे दिलो दिमाग में बस जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन राउत का आता है ना, अपने आप आंसर निकल के बाहर आना चाहिए। ये देखो स्टेबल अनस्टेबल, तो आपने देखा कि अच्छा सर ये था ट्रांसफर फंक्शन, इसके पोल्स को हमने प्लॉट किया, प्लॉट करके देखा कि इसके सारे के सारे पोल्स एलएचपी में लाई कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया एक स्टेबल सिस्टम, है ना? बोलो स्टेबल सिस्टम। तो आप बोलोगे कि सर ये आप क्या ही कर रहे हो, केस वन केस टू में आप तो सेम ही चीज बना रहे हो। आप चाहे लेफ्ट हाफ साइड में इमेजिनरी पोल्स डाल दो, कॉम्प्लेक्स पोल्स डाल दो, चाहे लेफ्ट हाफ साइड में आप रिपीटेड पोल्स डाल दो, चाहे लेफ्ट हाफ साइड में आप कोई भी पॉसिबिलिटी डाल दो, सिस्टम तो स्टेबल ही रहेगा। यानी कि अगर मैं केस थ्री में आपसे बोलूं, अगर मैं केस थ्री में आपसे बोलूं, केस थ्री में अगर मैं आपसे बोलूं, ये देखिए एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी यहां पे ले लूं, एक पॉसिबिलिटी यहां पे ले लूं, ठीक है। तो केस थ्री में कई सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सपोज ये था हमारा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन के आपने पोल्स कैलकुलेट कर लिए, वो आपको आता है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के इक्वल टू जीरो पुट करोगे, रूट सी कैलकुलेशन कर लोगे, वही सिस्टम के पोल्स हो जाएंगे। ये सारे के सारे एस प्लेन की चर्चा यहाँ पे हो रही है, ये सिग्मा ये जे ओमेगा, ये सिग्मा ये जे ओमेगा, ये सिग्मा ये जे ओमेगा, और इसको भी सिग्मा जे ओमेगा कर लेते हैं। सारे के सारे एस प्लेन की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। चारों केसेस में आप लोगों को बताना है चैट बॉक्स में कि भाई ये सिस्टम स्टेबल होगा या क्या होगा, इस पर आप क्या क्या कमेंट कर सकते हो, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये बताना है। यहाँ पे मैंने दो दो रिपीटेड पोल्स डाल दिए, इस केस में एक पोल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चारों केसेस में स्टेबिलिटी पे मुझे कमेंट चाहिए इमीडिएटली विद इन नो टाइम कि ये सिस्टम आपको कैसे दिख रहे हैं चारों के चारों, बोलते जाओ। अरे भाई जो बता रहा हूँ पहले वो तो सुन लो यार, क्रिटिकली स्टेबल और ये स्टेबल वो स्टेबल सब चीज़ों की चर्चा करेंगे, अभी पहले जो बता रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करो, उसको अडॉप्ट करो, एब्जॉर्ब करो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा। ये चारों जो केसेस आप लोगों को दिख रहे हैं, पहले वो बताओ 1, 2, 3, 4 में कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है? तो आप बोलोगे सर सारे स्टेबल है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, तो आप में से कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हो, आप में से कितने लोग इस बात पे अग्री करते हो कि सर अगर पोल्स आपके लेफ्ट हाफ साइड में आ गए, लेफ्ट हाफ साइड में एक सिंगल पोल हो, रिपीटेड पोल हो, नॉन रिपीटेड पोल हो, कॉम्प्लेक्स पोल्स हो, रिपीटेड कॉम्प्लेक्स पोल्स हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन आप हमको दे दो, अगर पोल्स लेफ्ट हाफ साइड में आ रहे हैं तो सिस्टम का स्टेबल होना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, बोलो फटाफट। चलो इसमें कोई डाउट ही नहीं, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया।
परफेक्ट। तो ये पॉइंट जितने लोगों को क्लियर है, यस 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 करो, फिर अगले केस की चर्चा करते हैं। केस वन, केस टू, केस थ्री शुड बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर, एक एक पॉइंट दिमाग में बैठा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं केस फोर की। परफेक्ट, है ना। चलो अब आते हैं कुछ ऐसी चीजों पे। केस फोर, केस फोर में देखो क्या बोला जा रहा है। केस फोर में बोला जा रहा है कि अगर एक भी पोल राइट हाफ साइड में आ गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर एक भी पोल राइट हाफ साइड पे आ गया, कम से कम एक पोल राइट हाफ साइड पे आ गया, तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, बाकी सारे पोल्स की लोकेशन इमटेरियल हो जाएगी। एक पोल अगर राइट हाफ साइड पे आ गया, बाकी सारे पोल्स कहाँ हैं, कौन सी लोकेशन पे हैं, कौन सी सिचुएशन पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है बाकी सारे पोल्स यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ पोल्स यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ पोल्स कहीं और लाई कर रहा हूँ। अगर कम से कम एक पोल राइट हाफ साइड पे आ गया, तो आप मुझे बता सकते हो सिस्टम कैसा हो जाएगा। इसके पोल्स की हमने कैलकुलेशन की, जैसे इसके पोल्स में आपने देखा एक पोल राइट हाफ साइड पे आ रहा था, इस सिस्टम की स्टेबिलिटी पे आप क्या कमेंट कर सकते थे, दिस विल बिकम अनस्टेबल सिस्टम। ये बात सभी को अग्री कर रहे हैं सभी लोग इस बात पे। अनस्टेबल के साथ सिस्टम वर्ड आप लोग जरूर यूज करेंगे, इस बात पे सभी लोग अग्री करते हैं, ठीक है। तो यानी कि दो चीजों में बहुत क्लैरिटी हो गई कि भाई ये रहा जी ओमेगा एक्सिस। जी ओमेगा एक्सिस के अगर पूरा हम लोग लेफ्ट हाफ साइड में पोल्स के लोकेशन जो मर्जी चाहे जैसी चाहे वैसी रखें, वो सिस्टम हो जाएगा स्टेबल। अगर एक भी पोल राइट हाफ साइड में आ गया, तो सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। आइए मैं आपको कुछ केस फाइव में करवाता हूँ कुछ केसेस, आप मुझे बताएंगे ये केस फाइव में जितने भी डायग्राम्स में बना रहा हूँ उनसे रिलेटेड सिस्टम्स के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया TS, ये लीजिए ये ट्रांसफर फंक्शन, इसके पोल्स की लोकेशन हमने कैलकुलेट की। ये जो हमने पोल्स की लोकेशन कैलकुलेट की, यहाँ पे अगर हम लोग चार डायग्राम्स ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये लीजिए चार डायग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए। अब अगर आप नोटिस करें तो ये चारों डायग्राम आपको सिग्मा जी ओमेगा, ठीक है, एस प्लेन में यहाँ पे आप लोगों के लिए बना देता हूँ सारा का सारा, ठीक है। दो पॉइंट्स बहुत क्लियर हो गए हम लोगों को कि भाई कैसे स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आपको बताना है ये सिस्टम्स कैसे हो जाएंगे, ठीक है, ये लीजिए। चलो चारों केसेस के बारे में फटाफट कमेंट करो, ये जो चारों केसेस आप देख रहे हो ये सिस्टम आपके स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे, या फिर आपको अगर कुछ और लगता है आप कुछ और कमेंट भी अपनी भाषा में कर सकते हो, ठीक है। चलो बताओ चारों केसेस में एवरीवन। तो आपने बोला कि सर एक पोल राइट हाफ में आ गया, बाकी क्या है फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम अनस्टेबल। सिर्फ अनस्टेबल वर्ड नहीं लिखेंगे, उसके साथ यहां पे ऐसे s/s लगा दो, सिस्टम जरूर लिखा होना चाहिए आपकी कॉपी में। एक पोल राइट हाफ साइड में आ गया, बाकी पोल कहां पे फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम कैसा हो गया अनस्टेबल। परफेक्ट, एक पोल राइट हाफ साइड में आ गया, बाकी कहां पे है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम हो गया अनस्टेबल। एक पोल क्या दो पोल आपके राइट हाफ साइड में आ गए, फर्क नहीं पड़ता, बाकी पोल्स कहां पे है, सिस्टम हो गया अनस्टेबल। कितने लोगों को अब स्टेबल और अनस्टेबल में कोई डाउट नहीं। अगर सारे के सारे पोल स्ट्रिक्टली LHP पे स्टेबल, मिनिमम एक भी RHP पे आ गया अनस्टेबल, कोई दिक्कत किसी को? है ना, ठीक है। प्रोवाइडेड ये सारे के सारे कॉजल सिस्टम्स की चर्चा हो रही है ना, कॉजल अंडरस्टूड है, उसमें कोई दो राय नहीं अगर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, बोलिए एक क्वेश्चन आप पूछ सकता हूं आप लोगों से एक क्वेश्चन। चलिए एक सवाल मैं पूछता हूं, सोच समझ के आप लोग आंसर करना, ठीक है, सोच समझ के आप लोग आंसर करना। ये रहा हमारा जी ओमेगा एक्सिस, जी ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हाफ में क्लैरिटी है स्टेबल, राइट हाफ में एक भी आ गया अनस्टेबल। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में चल रहा है कि सर अगर जी ओमेगा एक्सिस की सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें तब आप स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने जी ओमेगा के बारे में तो अभी कुछ बोला ही नहीं, कहीं भी आपने जी ओमेगा के एक्सिस की बात ही नहीं की। अब जी ओमेगा एक्सिस पे भी तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना, यानी कि जी ओमेगा एक्सिस को अगर मैं फिक्स कर लूँ तो जी ओमेगा एक्सिस में जी ओमेगा तो आ ही जाता है और ओरिजिन भी आ जाता है। यानी कि आपको ये भी बोलना चाहिए था कि सर आपने ओरिजिन का भी अभी तक कोई डिस्कशन नहीं किया। हो सकता है ओरिजिन पे एक सिंगल पोल आता, हो सकता है ओरिजिन पे मल्टीपल पोल्स आते, हो सकता है जी ओमेगा एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स आते, हो सकता है जी ओमेगा एक्सिस पे नॉन रिपीटेड पोल्स आते। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर ये तो हमें पहले से पता था कि लेफ्ट हाफ में आएगा तो स्टेबल, राइट में अनस्टेबल, जी ओमेगा वाला बताओ, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है।
हर जगह पे अलग अलग बात लिखी होती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, उसको समझा दीजिए, ये दोनों तो पहले से आता था, यस नो यस नो में आंसर बोलो, फिर बात करते हैं जियो मेगा की, मेन मुद्दा तो वही है। ठीक है बोलते जाओ। यस आ जाओ। अब तो केस 5 हो गए, अब जरा अगले केसेस ना बहुत गौर से देखना है, अगले केसेस जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में मार्जिनल स्टेबल लिख रहे हैं ना, बहुत गौर से अगले सारे केसेस देखेंगे। ये देखिए केस 6, एक आपका सिस्टम, सिस्टम के आपने पोल्स कैलकुलेट किए, पोल जीरो डायग्राम आपने बनाया, पोल जीरो डायग्राम बनाने के बाद ये पूरी की पूरी जियो मेगा, आप इसी को एक्सप्लोर करते हैं प्रॉपरली जियो मेगा एक्सेस को। हमने पाया कि ओरिजिन पे एक सिंगल पोल आ रहा था, सिंगल पोल एट ओरिजिन, जब भी सिंगल पोल एट ओरिजिन आएगा सिस्टम आपका हो जाएगा मार्जिनल स्टेबल, सिस्टम आपका क्या हो जाएगा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। ठीक है, अब जियो मेगा एक्सेस के सारे केसेस बता रहा हूँ, सारे समझ लो, एक ही बार में सारे क्लियर हो जाने चाहिए, एक ही बार में हमेशा याद हो जाना चाहिए। अगर आपने किसी सिस्टम के पोल्स कैलकुलेट किए, उसका एक सिंगल पोल ओरिजिन पे आ रहा है, ऐसे सिस्टम को आप बोलोगे मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। तो आप सोचोगे कि सर अगर यहाँ पे मल्टीपल पोल आते या रिपीटेड पोल आते तब आप क्या कमेंट करते, तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, उसको मैं केस 7 में लेके जाना चाहता हूँ, उसको मैं केस 7 में लेके जाना चाहता हूँ। केस 7 में अगर आप नोटिस करो तो मैं अगेन ओरिजिन की ही बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। ओरिजिन पे मैंने सिस्टम को देखा, उसके पोल्स कैलकुलेट किए और मैंने पाया कि ओरिजिन पे इस बार रिपीटेड पोल प्रेजेंट थे। रिपीटेड का मतलब 2 है 3 है 4 है 5 है 100 है 10,000 है जितने भी हैं, रिपीटेड पोल जैसे ही आपको यहाँ पे दिखेंगे ये सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। रीजन इसका सिग्नल सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे केस में आप देखना आपका जो एच ऑफ टी आएगा ना वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं आएगा, तो ये आपका हो जाएगा अनस्टेबल सिस्टम। तो पहले ये दोनों केसेस को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में एब्जॉर्व करो। अगर आप इसका एच एस निकाल के एच टी निकालोगे ना, जैसे अगर आप सोचो तो इसका एच एस क्या होगा, 1/s² ही तो होगा, और अगर इसका एच एस 1/s² है तो इसका एच ऑफ टी क्या आ जाएगा, एच ऑफ टी इसका मिल जाएगा आपको टी यू टी, और टी यू टी को अगर आप देखोगे ना और माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तक एब्सोल्युटली इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा इन्फाइनेट, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा, ये जो सिग्नल होता है ये नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल की कैटेगरी में फॉल करता है, जितने भी नीदर एनर्जी नॉर पावर की कैटेगरी में फॉल करते हैं एक्सेप्ट डेल्टी, डेल्टी सिग्नल या यूनिट इंपल्स सिग्नल जो होता है वो भी आपका नीदर एनर्जी नॉर पावर की कैटेगरी में फॉल करता है। तो जितने भी आपके नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स होते हैं एक्सेप्ट डेल्टी, जनरली वो अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें सिग्नल का पार्ट है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ लोकेशन वाइज आपको क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए, समझ गए ना। अनबाउंडेड उसको बोल सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जब आप इसका एच ऑफ टी निकालोगे तो वो आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं आएगा, इसकी वैल्यू इन्फाइनेट के आसपास आ जाएगी, समझ गए ना। ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका एच एस आता है, ठीक है, ये हो जाता है 1/s, पिछले केस की बात करूँ जहाँ पे ये आ रहा है। इस केस में अगर आप एच ऑफ टी कैलकुलेट करोगे आपका एच ऑफ टी हो जाता है यू टी। यू टी कैसा सिग्नल होता है, पावर सिग्नल, जितने भी एच ऑफ टी में यू टी आपके पावर सिग्नल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं जनरली वो आपके मार्जिनल स्टेबल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली वो कैसे सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए ना। तो ये सब किसी दिन बहुत डिटेल में चर्चा करी जाएगी जब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज वगैरह की हम लोग चर्चा करेंगे, अभी के लिए सिर्फ लोकेशन ऑफ पोल आपके दिमाग में अच्छे से एम्बेडेड होना चाहिए। आई बात समझ में सब लोगों को, तो पहले तो बताओ ओरिजिन वाली लोकेशन में कितने लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया कि सर ओरिजिन वाला आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ओरिजिन पे अगर एक सिंगल पोल है तो बोलेंगे मार्जिनल स्टेबल, और सिंगल से ज्यादा अगर बढ़ते चले गए तो वो हो जाएगा अनस्टेबल, इज इट ओके, बोलते जाओ फटाफट। केस 8 पे चले चलते हैं, केस 8 पे आ जाओ, केस 8 में देखते हैं, फिर आप लोगों के लिए सारी बातें हमने एक टेबल में भी बना रखी है तो उस टेबल को भी आप अच्छी तरीके से देखिए। ये देखिए केस 8, ठीक है, केस 8 की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो अब जियोमेगा के बाकी सारे सेगमेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो ये आपका हो गया सिग्मा और ये आपका हो गया जियोमेगा, ये सिग्मा आपने ले लिया, ये जियोमेगा ले लिया। देखिए अगर यहाँ पे ना इस पे जियोमेगा एक्सिस पे पोल्स आते हैं, जियोमेगा एक्सिस पे आप देखो ये कैसे पोल्स हैं, दे आर नॉन रिपीटेड पोल्स, है ना। जियोमेगा पे अगर आप देखो तो ये रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, एक सिंगल पोल आपका आ रहा है, तो ये आपके कैसे पोल्स हो गए, नॉन रिपीटेड पोल्स। जब तक जियोमेगा एक्सिस पे नॉन रिपीटेड पोल्स आते रहेंगे तब तक आपका जो सिस्टम आएगा वो मार्जिनल स्टेबल की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम आपका कैसा हो गया, मार्जिनल स्टेबल, ठीक है, क्लियर है बात ये सभी को।
तो अब ना पूरा का पूरा आपका जो जियो मेगा एक्सेस है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप ओरिजिन पे देख रहे हो एक सिंगल पोल, इसका मतलब मार्जिनल, डबल हो गया तो अनस्टेबल। सिमिलरली जियो मेगा एक्सेस पे आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो इस केस में कि मैंने इस ओरिजिन वाले पोल को देखा और इस ओरिजिन वाले पोल पे मार्जिनल आ रहा था, डबल कर दिया यहाँ पे तो अनस्टेबल हो गया। जियो मेगा पे अगर आप देखोगे तो अगर आपके नॉन रिपीटेड पोल्स आ रहे हैं तो सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगले केस पे चलें, अगला केस आप लोग देखोगे, बोलो। चलो केस नाइन पे आते हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे लैंग्वेज में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगा, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर देना तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपके दिमाग में सारी पॉसिबिलिटीज सबकॉन्शियसली स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लीजिए, इस बार मैं ऐसा कुछ लेता हूँ, सिर्फ जियोमेगा एक्सिस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा लिया, जियोमेगा लिया, इस बार मैंने पोल्स ऐसे डाल दिए, ये देखिए, एक यहाँ एक यहाँ नॉन रिपीटेड, एक यहाँ नॉन रिपीटेड। अब बताओ अब क्या होना चाहिए, ये दो रिपीट एक भी नहीं हो रहा है, दोनों ही नॉन रिपीटेड है, तो इस केस में आप मुझे बताइए कि आपका जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनल स्टेबल। तो आप बोलोगे सर बात तो नॉन रिपीटेड वाली ही है ना, बात तो नॉन रिपीटेड की है, यहाँ पे दो थे ये भी नॉन रिपीटेड, ये भी दो नॉन रिपीटेड, यानी कि अभी भी सिस्टम कैसा होगा, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। आ रही बात समझ में? तो जब तक जियो मेगा एक्सिस पे आपके पोल्स नॉन रिपीटेड इन नेचर है, सिस्टम हमेशा मार्जिनल स्टेबल रहने वाला है, ठीक है। जब तक नॉन रिपीटेड है तब तक हमेशा मार्जिनल स्टेबल रहेगा, जैसे ही वो रिपीट होने लगेंगे वो आपका अनस्टेबल सिस्टम की कैटेगरी में फॉल करेगा। वेरी गुड यार, एब्सोल्युटली परफेक्ट। और केस 10 के साथ साथ मुझे लगता है कि आप सभी लोगों की सारी जिज्ञासा शांत हो जानी चाहिए कि अगर एस प्लेन में पोल की लोकेशन आपको दिखती है आज के बाद कभी भी, तो आप इमीडिएटली बता सकते हो कि करेस्पॉन्डिंग सिस्टम आपका स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या फिर कैसा होगा, ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये देखिए, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, जैसे ही जियो मेगा एक्सिस पे पोल्स आपके रिपीट हो गए आपका करेस्पॉन्डिंग सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? बोलो। अब देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना, लेफ्ट हाफ में स्टेबल, राइट हाफ में गया एक भी तो अनस्टेबल। जियो मेगा में कन्फ्यूजन होती थी वो मैंने दूर कर दी, ओरिजिन पे एक सिंगल तो मार्जिनल, डबल ट्रिपल उससे ज्यादा तो अनस्टेबल। जियो मेगा पे जब तक नॉन रिपीटेड है मार्जिनल, रिपीट हो गया तो अनस्टेबल। कितना सिंपल है, आप चेक कर लो, चेक कर लो भाई और जल्दी बताओ। फाइन, ठीक है, क्वेश्चन करोगे एक, चलो एक क्वेश्चन करो, चार केसेस बना के दे रहा हूं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये चार क्वेश्चन आपके सामने मैं बना के दे रहा हूँ, 1 2 3 4 नंबरिंग भी कर दूंगा, नंबरिंग के साथ आंसर बताना चैट बॉक्स में, ठीक है, 1 2 3 4 करके बताना आप लोग, ओके। ये देखो, सिग्मा जे ओमेगा, ये था आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, सिग्मा जे ओमेगा, सिग्मा जे ओमेगा, सिग्मा एक पोल हटा दे, जे ओमेगा, ठीक है। ओरिजिन वाला भी हो गया, अब एक पॉसिबिलिटी ये रिपीटेड वाला भी हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये वाली एक्सप्लोर कर लिया, चलो बताओ 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग के साथ बताना, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं सभी लोगों का। गलत मत बताना, 1 2 3 4 तीनों आंसर आने चाहिए, इकट्ठा लिख के बताना है, ठीक है। जो भी आंसर बता रहा है पहले 1 लिखो, उसके आगे क्या होगा, 2 लिखो, उसके आगे क्या होगा, और एक ही चैट में वो आंसर आपको देना, अलग अलग लिख के दोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। हाँ देखो, जैसे निखिल ने आंसर दिया ना वैसे ही सभी लोगों को देना। निखिल बोल रहे हैं पहला सर मार्जिनल हो जाएगा, दूसरा मार्जिनल हो जाएगा, तीसरा अनस्टेबल हो जाएगा, चौथा मार्जिनल हो जाएगा, तो ऐसे ही आप लोगों को आंसर लिख के देना है, ठीक है। हाँ देखो, जैसे जेई वाला ट्रिपल ई लिख के दे रहे हैं, जैसे निखिल लिख के दे रहे हैं, रोहन लिख के दे रहे हैं, गेट एस्पिरेंट है ना,
रोहन कुमार ने भी जैसे लिख के दिया, तो वैसे ही आप लोग लिख के दीजिए तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोगों को ये पोल की लोकेशन वर्सेस स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट बस गया दिलो दिमाग में। कोई रात में उठा के भी पूछेगा आप बता दोगे भाई स्टेबल अनस्टेबल मार्जिनल स्टेबल, कोई डाउट ही नहीं इसमें। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं पहला वाला तो सर मार्जिनल स्टेबल कर दिया जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी इस बात से अग्री करता हूं क्योंकि देखो लेफ्ट हाफ साइड वाले पोल का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, है ना। सारा का सारा मुद्दा तो राइट हाफ साइड और जियोमेगा पे देखना है। जियोमेगा पे हमने देखा ओरिजिन पे एक सिंगल पोल, कोई दिक्कत ही नहीं है। जियोमेगा पे नॉन रिपीटेड, एमएस की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, मार्जिनल स्टेबल परफेक्ट। सेकेंड वाले में आपने नोटिस किया कि यार इसमें जियोमेगा पे आ तो ज्यादा पोल्स रहते हैं बट सारे के सारे नॉन रिपीटेड थे, ये तो रिडंडेंट है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। ये तो स्टेबल बता रहा है बट अनस्टेबल या मार्जिनल स्टेबल कौन बताएगा, जो राइट हाफ पे होगा या जो जियोमेगा पे होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसको भी एमएस की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा ये दो एलएचपी पे थे तो ये तो सिर्फ स्टेबल को ही गारंटी कर सकते हैं, बाकी मार्जिनल और अनस्टेबल के लिए आपको जियोमेगा या राइट में चेक करना पड़ेगा, राइट में कुछ था नहीं। बट यहाँ पे रिपीटेड पोल थे तो आपने डाल दिया यूएस यानी अनस्टेबल सिस्टम। यहाँ पे आपने देखा सारे के सारे पोल्स एलएचपी, ये सिर्फ स्टेबिलिटी का ही अंदाजा दे सकते हैं। मार्जिनल अनस्टेबल के लिए आपको जियोमेगा को एक बार स्कैन करना पड़ेगा या राइट हाफ को एक बार स्कैन करके देखो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ओरिजिन पे एक सिंगल पोल था तो आप इसको एमएस की कैटेगरी में डाल दोगे। कितने लोग ऐसे थे जो मेरे लिखने से पहले ही ये चारों आंसर्स करेक्ट कर चुके थे? अगर कर चुके थे तो फिर पोल लोकेशन वर्सेस स्टेबिलिटी में आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है, आपका कोई भी क्वेश्चन आगे से गलत नहीं होगा अगर पोल की लोकेशन वर्सेस स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन कभी भी पूछे जाते हैं तो। ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया। आप देखो इतनी देर तक जो मैंने समझाया, एक बार चेक करिए क्या स्क्रीन पे आपके वही लिखा हुआ है, एक बार चेक करो जल्दी चेक करो, ठीक है। 3 घंटे तक फुल 2 ढाई घंटे तक जब भी क्लास चलती है फुल कॉन्सेंट्रेशन से सारी चीज़ें समझनी है। देखो रिपीटेड और नॉन रिपीटेड पोल इन एलएचपी सिस्टम हमेशा कैसा हो जाएगा, स्टेबल। इतनी देर से मैं जो समझा रहा हूँ ना वही लिखा हुआ है टेबल पे, चेक करते जाओ। नॉन रिपीटेड पोल्स ऑन जियोमेगा एक्सिस मार्जिनल स्टेबल, रिपीटेड पोल ऑन जियोमेगा एक्सिस अनस्टेबल, सिंगल पोल एट ओरिजिन मार्जिनल स्टेबल, रिपीटेड पोल्स एट ओरिजिन अनस्टेबल, पोल एट आरएचपी, आरएचपी पे कम से कम एक पोल ही क्यों ना आ जाए सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। और अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें पोल्स ही नहीं है, अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें पोल्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जनरली जनरली जो आरओसी होता है वो एंटायर एक्सप्लेन आ जाता है, और अगर आरओसी एंटायर एक्सप्लेन है तो जियोमेगा एक्सिस अपने आप इंक्लूड हो जाएगी, और अगर जियोमेगा एक्सिस अपने आप इंक्लूड हो गई तो एलटीआई सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको आप हमेशा एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम बोल सकते हो। तो ऑब्वियसली ये जो सातवां वाला केस है ये हमने कवर तो नहीं किया था बट ठीक है, ये सिग्नल सिस्टम में भी आप देखोगे और वैसे भी अंदाजा आपको लग ही सकता है कि भाई पोल की वजह से अगर स्टेबल अनस्टेबल का अंदाजा लग रहा था और पोल ही सिस्टम से गायब हो गया तो सिस्टम को तो स्टेबल ही आप बोलोगे ना, ठीक है। अरे हाना हाना बोलो भाई, हाँ एंटायर एक्सप्लेन आरओसी वगैरह डिस्कस करेंगे भाई, बता तो दिया कि सिग्नल सिस्टम में पढ़ोगे, अभी ये टेबल आपको समझ आ रही है, अगर हाँ तो हाँ बोलो ना तो ना बोलो, आरओसी भूल जाओ अभी, ठीक है। वैसे ही भूल जाओ आरओसी जैसे आपको बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि 10 बजे आपको मैसेज करेंगे, 10 बजे कॉल करेंगे और वो भूल जाते हैं, आप उनके इंतजार में सारी रात जगते हो, तो जैसे वो आपको भूल जाते हैं ना वैसे थोड़ी देर के लिए आरओसी भूल जाओ भाई, ठीक है समझ गए। ठीक है मजेदार, चलो बहुत ही बेहतरीन। चलो अब दो चीजों की चर्चा करते हैं, ठीक है, दो चीजों की और चर्चा करते हैं।
जिनके बारे में ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिनके बारे में थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती, थोड़ा सा कॉलेज वगैरह में उतनी क्लैरिटी से बताया नहीं जाता, तो मैं दो चीज़ों में बस क्लैरिटी रखना चाहता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस का मतलब क्या हुआ? पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस का मतलब हो गया कि आपका एक एस प्लेन है, ये सिग्मा, ये जियोमेगा। अब जियोमेगा की सारी पॉसिबिलिटीज को हम मान सकते हैं पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। डू यू एग्री विद मी? ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आप क्यों बता रहे हो, अभी अभी तो आपने बताया पोल्स पोल्स में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, शायद मेरा मन कर रहा होगा बताने का दोबारा से, तो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से। पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, अब इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी आप एक्सप्लोर कर लो, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, इस पर जितनी भी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसे ही बनाने का मन कर रहा है, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए? ठीक है, तो पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस का मतलब हो गया पोल्स ऑन जियोमेगा एक्सिस। ये बात हमको अच्छी तरीके से क्लियर है, ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई। बट मैं पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, और वो ये है लोकेशन ऑफ पोल्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये दोनों वर्ड्स जो है ना, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, इनमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप राउत को अच्छे से समझना चाहते हो, राउत की डीप एनालिसिस करना चाहते हो, राउत के तगड़े क्वेश्चन लगाना चाहते हो, तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कभी आपसे बोलता हूँ पोल्स ऑन जियोमेगा एक्सिस या पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि जियोमेगा पकड़ लेंगे और उस पर फिर कुछ लोकेशंस की हम लोग चर्चा करेंगे। बट अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पोल्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो वहां पे देखो कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? बहुत सारे केसेस यहाँ पे बन सकते हैं, उनमें से कुछ केसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है? चार केसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ले लीजिए। पोल्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन के मैं चार केसेस आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सिग्मा जी ओमेगा ये लिख लेते हैं, ठीक है? ये लो, ये सिग्मा, ये जे, ये आपका हो गया सिग्मा, और ये हो गया आपका जे ओमेगा। ये ले लीजिए सिग्मा, और इसको ले लेते हैं जी ओमेगा, ठीक है? अब देखो बात स्टेबल अनस्टेबल की नहीं हो रही है, बात किसी और चीज की नहीं हो रही है, बस हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो ओरिजिन है इसके अबाउट सिमिट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये जो आप ओरिजिन देख रहे हो ना, इसके अबाउट सिमिट्री का मतलब क्या है? देखिए इसके अबाउट सिमेट्री का जो मतलब होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर मैं एक पोल यहाँ बना दूँ, एक पोल यहाँ बना दूँ, तो देखो इस पोल की दूरी यहाँ से और यहाँ से सेम है, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो गए, है ना? ऐसा तभी होगा जब इसकी दूरी यहाँ से और यहाँ से सेम होगी। तो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी लिख देता हूँ, सो दैट कोई बाद में स्क्रीनशॉट लेके ये ना बोले कि सर हमने स्केल से नापा तो ये 2 आ रहा था, और ये स्केल से नापा तो 1.5 आ रहा था, तो आपने तो गलत बता दिया, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में घूम रहे हैं जिनका काम ही यही है कि 2 घंटे तक सेशन में बैठे रहेंगे और उल जुलूल की हरकतें करके कुछ सिली मिस्टेक्स निकालेंगे, और उसके बाद सेशन उस पर बना देंगे कि भाई देखो ये हमने स्केल लेके नापा तो ये हाइट सर ने निकाली थी 2 आई, ये 1.5 आ गई, तो ये कंसेप्ट गलत हो गया और अब ये गलत पढ़ाते हैं, अब मैं बताऊंगा सही कैसे पढ़ाया जाता, तो स्केल से उसको लेके खींचेंगे। तो भाई उन सभी लोगों को मैं ये फिर से बताना चाहता हूँ कि आप नापो मत, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2J-2J, ठीक है? चलेगा? चलो ये देखो यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया 2। आप बताओ क्या ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? आप बोलोगे बिल्कुल सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ओरिजिन के अबाउट हम लोग सिमेट्री यहाँ पे देख पा रहे हैं, यस परफेक्ट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे सिग्मा जी ओमेगा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो आप में से किसी को कोई आपत्ति? ये देखो -2, तो 2J-2J, आप बोलोगे सर ये भी तो बढ़िया लग रहा है, ये भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ही लग रहा है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस 2, 2, 2, 2, है ना? परफेक्ट। अब देखो एक चौथा केस, ध्यान से सुनते रहना, मेरा क्वेश्चन अभी आया नहीं, अभी तो मैं आपको ही समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी तो मैं आपको ही समझा रहा हूँ, ये देखो। तो भाई जितने भी लोग ऐसे हो ना, थोड़ा आप लोग भी क्रैश कोर्स वोर्स चला लो यार, थोड़ा भला करो, ठीक है? 1 घंटे के लेक्चर में टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, आराम से 40-50 घंटे का एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स चलाओ। चलो ये ले लिया मैंने, अब बताओ क्या ये भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? आप बोल रहे हो बिल्कुल सर, यहां से यहां तक की दूरी √2, √2, √2, √2, परफेक्ट। अब अगर आप ये चार केसेस देखो तो क्या आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर ठीक है सिमेट्रिक अबाउट अगर आप ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो वो जे ओमेगा पे भी आ सकता है, विच इज दिस केस, वो एक पोल राइट एक पोल लेफ्ट में भी आ सकता है, उसमें एक राइट एक लेफ्ट और एक जे ओमेगा वाली पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, उसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है। ये लीजिए
ये लीजिए, बोलते जाओ भाई, है ना? यस, परफेक्ट। चलो, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब हो गया ओरिजिन आपका रेफरेंस है ना, तो ओरिजिन पे फिर उस पोल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जब भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन की हम लोग बात करते हैं तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब हो गया ओरिजिन रेफरेंस ले लिया। अगर इसको आपने रेफरेंस ले लिया तो यहां पे आप पोल नहीं डालोगे। पॉइंट समझ आया आप सभी लोगों को? यस yes. तो ये चार केसेस आप एक बार जल्दी से कंसिडर करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये बात सभी लोगों को क्लियर है अच्छी तरीके से? हाँ, इसको वन माइनस जे कर लो, ये पॉइंट सही कर लो। ठीक, चलिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ये इन दोनों को रिपीट भी कर दो, इन दोनों को रिपीट भी कर दो, इनमें से किसी को रिपीट भी कर दो, इनमें से किसी को रिपीट भी कर दो, वो चलेगा। बट मोटा मोटा ये चार केसेस ऐसे हैं जहां पे लोकेशन ऑफ पोल्स ओरिजिन के अबाउट आपको सिमेट्रिक दिखने वाले। एक बात मेरी सोच समझ के बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं लोकेशन ऑफ पोल्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो क्या उसमें जे ओमेगा अपने आप इंक्लूड हो जाएगा? यानी कि अगर पोल्स की लोकेशन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या पोल लोकेशन ऑन इमेजिनरी एक्सिस उसका सबसेट ही तो हुआ? सोच के बताइए। बोलो भाई, जल्दी बोलो। अब मैं दो स्टेटमेंट बोलूं, आप लोग सुनोगे ध्यान से? दो स्टेटमेंट मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो तभी वो स्टेटमेंट मैं बोलूंगा। बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन से वो दोनों स्टेटमेंट आपको सुनने होंगे। वही दोनों स्टेटमेंट राउत का जिस्ट है, वही दोनों स्टेटमेंट्स राउत में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वही दोनों स्टेटमेंट की वजह से राउत में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस क्रिस्टल क्लियर, जे ओमेगा से आगे पीछे नहीं जाएंगे। पोल्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, पोल्स विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन में केसेस समझ में आ गए, कुछ भी हो सकता है। उसमें जे ओमेगा भी आ जाएंगे, उसमें राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, राइट लेफ्ट जे ओमेगा का भी बन जाएगा, या फिर इन चारों कोनों का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। परफेक्ट, इतनी बात सभी को क्लियर है। अब मैं क्या बोलता हूँ, आगे जब भी हम राउत का टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं बनाया वो बस सुन लो मेरी बात को कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो इस चीज़ को। आगे से जब भी हम राउत का टेबल बनाएंगे, राउत का टेबल बनाने के दौरान कभी कभार क्या होता है ना, ऑड रो जीरो हो जाती है। मैंने अपनी टीचिंग करियर के दौरान या फिर उसके पहले या फिर उसके बाद भी जितनी बार भी बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा है, हर बार मुझे गलत ही आंसर मिला है। मैं पूछता हूँ, राउत की टेबल में अगर ऑड रो जीरो हो जाए तो पोल्स कहाँ पे लाई करेंगे? तो सभी लोग बोलते हैं, सर पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे। ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे से मैं आपको राउत की टेबल बताऊंगा, राउत के टेबल बनाना सिखाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे ऑर्डर जीरो हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर जीरो होगा मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ भाई अब पोल्स की लोकेशन कहाँ एग्जिस्ट करेगी, तो आप बताओगे कि सर पोल्स की लोकेशन इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगी। वहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये स्टेटमेंट जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं बाद में देखेंगे, उनको कभी नहीं बोलना है। तो सर सही स्टेटमेंट क्या है, बोलना क्या है वो तो बताओ। ये तो समझ में आ गया कि हम गलत बोलते थे या हमने जो पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। आपको सही स्टेटमेंट ये बोलना है कि जब भी राउत क्या टेबल आप बना रहे हो उसमें जब भी ऑर्डर जीरो होती है तो जो पोल्स की लोकेशन आती है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आती है। अगर सिमेट्रिक अबाउट आप ओरिजिन बोल रहे हो तो ये केस भी आ सकता है इमेजिनरी एक्सिस वाला, ये केस भी आ सकता है, ये केस भी आ सकता है, और ये केस भी आ सकता है। कितने लोगों को अब ये स्टेटमेंट दिमाग में बैठ गया कि सर ये हम गलत बोलते थे पहले, मगर अब आपने बता दिया तो अब आगे से कतई ये स्टेटमेंट हम यूज नहीं करने वाले। इन एनी केस आप जितनी बार पूछोगे हर बार हमारा स्टेटमेंट आएगा कि पोल्स हमेशा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब इन चार में से कोई भी केस आपको देखने को मिल जाएगा। यस नो, यस नो में एक बार आंसर करो, उसके आगे की कहानी डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में मेरे सवाल का जवाब दे देना सभी लोग। मैं वही स्टेटमेंट आपसे दोबारा पूछता हूं, अगर आपने राउट टेबल बनाई, राउट टेबल में कोई ऑड रो जीरो हो गए तो पोल्स की लोकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, चैट बॉक्स में एक बार आप लिख के बता दो अपनी भाषा में। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं राउट टेबल की एनालिसिस करना। बहुत ही बढ़िया, जूही बोल रहे हैं कि ऑड रो जीरो हो गया तो पोल सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएंगे। ठीक है, गेमिंग भी बोल रहे हैं ऐसा ही हो जाएगा। अब्दुल, भावना, अनिमेश,
रणछोड़ दास भी सेशन में आए हुए हैं, आरजे आरजे दो दो रेडियो स्टेशन पे एक साथ ही एंकरिंग कर रहे हैं, जेई वाला ट्रिपल ई, ठीक है बहुत सारे लोग यार, अब तो नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मयंक मोहम्मद अली, परफेक्ट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन 50 बार इसको अपने दिमाग में बोल लेंगे, ये स्टेटमेंट अब गलत नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब है इन चारों केसेस में से कुछ भी आ सकता है, इमेजिनरी पे भी आ सकता है, लेफ्ट राइट पे भी आ सकता है, लेफ्ट राइट के साथ जियोमेगा पे भी आ सकता है, चारों कोनों पे भी आ सकता है, ठीक है। चलो ये दिमाग, ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई। चलो अब इतनी कहानी खत्म हो गई, जल्दी से क्विकली मैं इसको समअप करता हूँ, फिर अगले सेगमेंट पे हम लोग बढ़ते हैं। क्विकली मैं इसको समअप करता हूँ, आप जल्दी से मेरी बात को सुनिए। अभी तक क्या बताया मैंने, अभी तक मैंने बताया कि कोई भी कॉजल सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी कैसे निर्धारित करी जाएगी। सारे के सारे पोल स्ट्रिक्टली LHP पे, सिस्टम स्टेबल, एक भी पोल RHP पे, सिस्टम अनस्टेबल। जियो मेगा पे क्लैरिटी है, ओरिजिन पे एक सिंगल, मार्जिनल स्टेबल, ओरिजिन पे आपके रिपीटेड अनस्टेबल। जियो मेगा पे आपके सिंगल मतलब नॉन रिपीटेड पोल्स, इसका मतलब वो मार्जिनल स्टेबल, रिपीट हो गया जियो मेगा पे तो अनस्टेबल। ये क्रिस्टल क्लैरिटी हमको यहाँ पे मिल गई। उसके साथ साथ मैंने आपको दो स्टेटमेंट्स लिखवाए, पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस एंड पोल्स एट या पोल्स सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। साथ के साथ ये बताया, कभी आप राउथ बना रहे हो, ऑर्डर आपकी जीरो हो गई, तो आप बोलोगे कि भाई पोल्स हमेशा कहाँ पे लाई करेंगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या फिर ओरिजिन के सिमेट्रिक लाई करेंगे। चार केसेस जनरली मैंने आपको बताए, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, या पहले आप खुद से मुझे बताओ, जिन लोगों ने भी पढ़ रखा है वो एक बार बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। राउथ टेबल या राउथ क्राइटेरिया, राउथ हुरविट्स वैसे पूरा होता है बट मैं शॉर्ट में राउथ क्राइटेरिया लिख देता हूँ, आर एच क्राइटेरिया भी कभी कभी इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर आर एच क्राइटेरिया, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे बता दो ये आर एच क्राइटेरिया यूज किस लिए होता है, ठीक है, एक बार मुझे बताओ। गलत सही आपका जो भी आंसर आता है मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट करूंगा। आप आर एच टेबल बनाते हो, आर एच क्राइटेरिया लगाते हो, राउथ क्राइटेरिया लगाते हो, ये यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों लगाते हो, उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या पता चल जाता है इससे। बहुत ही बढ़िया, पोल लोकेशन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएगा, वो तो ठीक है, वो क्वेश्चन ओवर हो गया। मेरा नया क्वेश्चन ये है कि हम आर एच टेबल बनाते हैं, राउथ क्राइटेरिया लगाते हैं, आर एच क्राइटेरिया लगाते हैं, ये किस लिए करते हैं भाई, क्या पता चलता है इससे, क्या फायदा है इसको लगाने का, ठीक है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर स्टेबिलिटी के लिए, जो लोग ये बोलते हैं स्टेबिलिटी के लिए, वो ये भी बता दो ओपन लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी या क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ सभी लोग, सभी को आंसर करना है, गलत आंसर सही आंसर सब कुछ एक्सेप्टेबल है। गलत है आंसर, सही है आंसर, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, बस मुझे ये बता दो कि राउथ क्राइटेरिया लगाया किस लिए जाता है, क्या करते हैं राउथ क्राइटेरिया में, ठीक है। तो लगभग हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ओपन लूप की स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं क्लोज लूप की स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हो गए सभी के आंसर, अब मेरा आंसर आप सुनने के लिए रेडी हैं तो यस लिखिए चैट बॉक्स में कि हाँ सर अब आप अपना आंसर बताओ, हमने तो बता दिया अपना, ठीक है। जिनको नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओपन लूप क्लोज लूप दोनों कुछ लोग बोल रहे हैं, अब मैं बताऊं मेरा रीजन जानना चाहते हो किस लिए यूज होता है ये। अगर मैं आपको बोलूं कि आर एच क्राइटेरिया या राउथ क्राइटेरिया प्राइमरली प्राइमरली स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज ही नहीं होता है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं नहीं यूज होता है, मैं बोल रहा हूं जो आर एच क्राइटेरिया है या राउथ क्राइटेरिया है या राउथ हुरविट्स क्राइटेरिया है, ये प्राइमरली प्राइमरली स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज ही नहीं होता है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? बोलो, कर लोगे नहीं करोगे? थोड़ी देर बात करोगे? चलो मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फुल कंसंट्रेशन से 2 मिनट बस मेरी बात सुनो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये देखिए, ये मैंने कोई ट्रांसफर फंक्शन लिया, ये मैंने कोई ट्रांसफर फंक्शन लिया ES by RS, ठीक है। CS by RS में कुछ न्यूमिनेटर में होगा, कुछ डिनोमिनेटर में होगा। अब ये CS by RS आपका GS हो सकता था, मतलब ओपन लूप सिस्टम, या फिर ये CS by RS
आपका जीएस अपॉन वन प्लस जीएसएचएस, वन माइनस जीएसएचएस, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का मैं ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी तरीके का मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल उठाता हूँ। देखिएगा, ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल मैंने उठाया, ठीक है, डीएस मैंने उठा लिया। ये जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल दिख रहा है, अगर मैं इसके रूट्स कैलकुलेट कर लूँ, रूट्स ऑफ डीएस, तो क्या यही पोल्स ऑफ टीएस हो जाएंगे? आप बोलोगे सर ये आप स्टार्टिंग में भी बता चुके हो, कोई बात नहीं, हम लोग इस बात पे अग्री कर लेते हैं कि ये तो बिल्कुल सही बात है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, ठीक है, हम लोग सभी लोग इस बात पे अग्री कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट कर पाए, अगर हम ये पता कर लें कि किसी पॉलिनोमियल के कितने रूट्स एलएचपी में लाई कर रहे हैं, कितने रूट्स आरएचपी में लाई कर रहे हैं, रूट्स वर्ड में बोल रहा हूँ, रूट्स वर्ड पे ध्यान देना। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, कोई ऐसा तरीका हमें मिल जाए जिससे हम ये पता कर लें कि उस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स आरएचपी पे हैं, कितने एलएचपी पे हैं, कितने जियोमेगा एक्सिस पे हैं, तो अगर कल को वही पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो गई तो हम डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे, कितने एलएचपी पे हैं, कितने आरएचपी पे हैं, कितने जियोमेगा पे हैं। और अगर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट हो गए तो क्या सिस्टम की स्टेबिलिटी भी तो डिसाइड हो गई? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि जो आरएच क्राइटेरिया है या जो राउत क्राइटेरिया है, ये बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स का लोकेशन पता लगाने के लिए। अब कल को वो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो जाती है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे भी अंदाजा लगाया जा सकता है या कमेंट किया जा सकता है। तो प्राइमरली जो आरएच क्राइटेरिया होता है वो सिंपल सा काम ये करता है कि उसको एक पॉलिनोमियल आप दे दो, उस पॉलिनोमियल का आपको वो एलएचपी आरएचपी जियोमेगा पे रूट्स की लोकेशन बता देगा। अब आप जानो और वो पॉलिनोमियल जाने, कल को वही पॉलिनोमियल अगर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है तो सिस्टम की आप स्टेबिलिटी भी बताइए। बताइए कितने लोगों को अब ये बात अच्छे से समझ गई कि अच्छा इसका मतलब ये है सर कि आरएच क्राइटेरिया एक सिंपल सा टूल है, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू कोई भी पॉलिनोमियल हमें दुनिया का दे दिया जाए उसके हम रूट्स की लोकेशन तो बता ही देंगे, है ना। अब मैं रूट वर्ड जहां जहां पे बोल रहा हूं वहां पे आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। बोलो, तो अब आप लोग मेरी बात पे अग्री करते हो कि सर आप सही बोल रहे थे, मान गए आप तो बिल्कुल ही बॉन्ड निकले और आपने बिल्कुल सही बोला। तो यार जाहिर सी बात है मैं तो सही बोलूंगा ही बोलूंगा, अब आप लोगों को भी आज के बाद सही बोलना चाहिए। आपसे कोई पूछेगा कि राउत क्राइटेरिया क्यों यूज होता है तो आप एक लाइन में स्टेटमेंट देंगे, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, टू फाइंड द रूट्स लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स के लोकेशन का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। बात वहीं पे खत्म हो गई। अब वो पॉलिनोमियल कल को डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है तो आप स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट कर सकते हो। तो मैं फिर से पूछूं ये क्वेश्चन आप लोगों से, मान गए गुरु, छा गए गुरु। चलो अब आप लोगों को भी मैं बॉन्ड बनने का मौका देता हूं, दोबारा से मैं आपसे पूछता हूं, पहले मैं आंसर दोबारा बता देता हूं। आरएच क्राइटेरिया क्यों यूज किया जाता है? आरएच क्राइटेरिया यूज किया जाता है किसी भी पॉलिनोमियल की रूट्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ, अब आपके पास है हीरो बनने का मौका, आप बताओ आरएच क्राइटेरिया किस लिए यूज किया जाता है? बहुत ही बढ़िया, तान्या बोल रही है रूट की लोकेशन पता करने के लिए, पल्लवी बोल रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का पता करने के लिए, आरजे आरजे बोल रहे हैं कि ताली ठोको, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बात दिलो दिमाग में अंदर तक बस जानी चाहिए। आरएच क्राइटेरिया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी तो सब बाद में आता है, उसका सिंपल सा काम है कि भाई उसको एक पॉलिनोमियल दे दो, उसके रूट्स की लोकेशन निकाल के आपको दे देगा कहाँ कहाँ पे किसके किसके कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं। कल को वो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो गया तो आप सिस्टम की स्टेबिलिटी बता दो, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। पॉलिनोमियल के रूट्स का पता लगाने के लिए, पॉलिनोमियल के रूट्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए, पॉलिनोमियल के रूट्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए ये बात दिमाग में घुस जानी चाहिए, अंदर तक बैठ जानी चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि अब हम जो आगे का डिस्कशन करें उसमें हम बस एक पॉलिनोमियल ले लें और उसी के राउंड खेलते रहें, है ना, एक पॉलिनोमियल उठा लेते हैं और देखते हैं आरएच क्राइटेरिया उसमें कैसे लगेगा, क्या हम उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। चलिए देखिए, रूट्स कैलकुलेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का आप रूट्स की कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन अब स्टार्ट करें, अब यहां से थोड़ा सा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप
समझ गए ना, ये रूट्स पे ध्यान देना यार, रूट वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, रूट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि अब हम सिर्फ पॉलिनोमियल को डील करेंगे। अब कल को वो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो गया तो वो आप समझो और वो क्वेश्चन समझे, है ना, लिख लेंगे जो भी डीएस होगा उठा लेंगे उसमें लगा देंगे आपका आरएच क्राइटेरिया ठीक है। चलो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लेता हूँ ए नॉट एस प्लस ए वन, ये ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ये फर्स्ट ऑर्डर है, कैसे पता चला है ना, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल, अगर इस फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल में ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ए नॉट जीरो है, ए वन जीरो है ठीक है, ऐसा है, यानी कि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका साइन हमेशा कैसा आ रहा है, सेम है, ये सारे के सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसके सारे के सारे रूट्स, ऑल रूट्स इन एलएचपी ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में, तो बहुत ही सिंपल इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाना। आप में से कोई ये बोल सकता था, सर आपने दोनों को पॉजिटिव लिया, अगर आप दोनों को नेगेटिव ले लेते तब भी तो सेम बात होती ना, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मुझे इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। अगर मैं इसको भी जीरो कर दूं और इसको भी जीरो कर दूं, तो अगर दोनों कोएफिशिएंट का साइन सेम है तो इस बात की गारंटी है कि इसके ऑल, अब देखना मैं रूट्स लिख रहा हूँ बार बार ठीक है, ऑल रूट्स इन एल एच पी, स्ट्रिक्टली एल एच पी में लाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है बात ये, बोलते जाओ जल्दी से चैट बॉक्स में ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या हमें समझ में आया कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है और उसके सारे के सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम है, सारे पॉजिटिव हैं या सारे नेगेटिव हैं, तो उसके सारे के सारे रूट्स कहाँ पे लाई करेंगे, एलएचपी पे। उदाहरण के तौर पे अगर आपको एग्जांपल लेना चाहो तो एग्जांपल भी आप इस चीज़ का ले सकते हो जल्दी से, ये देखो अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल ले लूँ डीएस इज इक्वल टू एस प्लस टू, तो इसका रूट कहाँ पे लाई करेगा, देखो दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका रूट कहाँ पे लाई करेगा, एस इक्वल टू माइनस टू पे, देखो स्ट्रिक्टली एलएचपी पे है ठीक है। अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल ले लेता डीएस इज इक्वल टू माइनस एस माइनस फोर, तो इसका अगर मैं आपसे रूट पूछता आप डीएस को इक्वल टू जीरो पुट कर देते, एस की वैल्यू आपको मिल जाती है माइनस फोर। बोलो इस बात से आप लोग अग्री करते हो, है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर सारे के सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम है, इसका मतलब उसके सारे के सारे रूट्स स्ट्रिक्टली एलएचपी पे लाई करेंगे, परफेक्ट है। फर्स्ट ऑर्डर में कितने लोगों को क्लैरिटी मिल गई, यानी कि क्या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कभी आरएच क्राइटेरिया लगाने की जरूरत है, कभी जरूरत नहीं, क्यों लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, फर्स्ट ऑर्डर में तो स्टेटमेंट ही क्लियर है ना, कोएफिशिएंट ही चेक कर लेंगे, दोनों के कोएफिशिएंट सेम तो एलएचपी, दोनों के कोएफिशिएंट सेम, साइन सेम तो एलएचपी ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में आरएच क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे, बात खत्म हो गई ठीक है। चलो सेकेंड ऑर्डर पे आते हैं, आप बोलोगे सर मजा आ रहा है, मतलब आरएच लग ही नहीं रहा अभी तक कहीं पर, चलो देखते हैं कब तक नहीं लगेगा, जब तक नहीं लगेगा लगेगा तब तक क्यों लगाएं। ये लीजिए डीएस इज इक्वल टू ए नॉट एस स्क्वायर ए वन एस प्लस ए टू, ये पॉलीनोमियल है ठीक है। ये लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है अगर ए नॉट पॉजिटिव है, ए वन पॉजिटिव है, ए टू पॉजिटिव है, सारे के सारे कोएफिशिएंट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि वो मिसिंग हो जाए, ऐसा मत बोल देना कि सर ए वन को जीरो ले लें क्या, नहीं, तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए, इस वजह से तीनों को मैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बोल रहा हूँ, समझ गए ना, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसमें भी ऑल रूट्स इन एलएचपी ठीक है, और अगर इसमें भी ऑल रूट्स इन एलएचपी आ गए तो बताओ क्या आप आगे से आज के बाद कभी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में या सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल में कभी भी आरएच क्राइटेरिया लगाओगे क्या, जरूरत ही नहीं, साइन ही देख के पता चल रहा है सारे पॉजिटिव तो सारे रूट्स इसके एलएचपी में एग्जिस्ट करेंगे। ये देखिए जरा यहाँ पे आ जाइए, अगर सपोज मैं ऐसा लिख देता ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन एस प्लस ए टू, यहाँ पे अगर मैं ए नॉट को भी नेगेटिव ले लेता, ए वन को भी नेगेटिव ले लेता, ए टू को भी नेगेटिव ले लेता, अगर मैं इन तीनों को नेगेटिव ले लेता तो इसके ऑल रूट्स एलएचपी में, यानी कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी बिल्कुल सेम फिलॉसफी फॉलो हो रही है। अगर सारे कोएफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम है तो उसके सारे के सारे रूट्स स्ट्रिक्टली एलएचपी में लाई करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में बिल्कुल सेम फिलॉसफी फॉलो हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल या सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल में अगर सारे कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और सबका साइन सेम है तो सारे के सारे रूट्स एलएचपी पे लाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही बात है। बोलिए ठीक है, चलो अगर ये बात क्लियर है
जल्दी से एक दो क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है, जल्दी से एक दो क्वेश्चन करके बताओ। ये देखो, ये एक आपको दे रखा है सिस्टम, आपको बताना है ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, बिना कोई कैलकुलेशन किए, ठीक है। आपको बताना है ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम, सिस्टम पे आपको कमेंट करना है। अगर इस सिस्टम पे कमेंट करना है तो सिस्टम से आपको कोई मतलब है नहीं, आप देखोगे भाई इसका डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल क्या है, पहले उसको चेक कर। आपने चेक किया इसका डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 10, आपने देखा सारे साइन पॉजिटिव, आपने बोला इसके सारे रूट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एल एच पी में, और अगर इसके सारे रूट्स एल एच पी पे लाई कर रहे हैं मतलब इसके सारे पोल्स एल एच पी पे लाई कर रहे हैं, तो ये सिस्टम आपका हो गया स्टेबल। क्वेश्चन समझ गए ना आपको कैसे मिलेगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन में सिस्टम दिया होगा, सिस्टम से नीचे वाला पॉलिनॉमियल उठा लेना। अगर ये सेकंड ऑर्डर का है तो आपको डायरेक्टली पता है कि भाई इसके सारे रूट्स एलएचपी पे लाई करेंगे क्योंकि सबका साइन सेम है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मन हो किसी का करके देख लो, रूट्स एलएचपी पे आने तय हैं, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, अगर सारे के सारे कोएफिशिएंट इसके पॉजिटिव है और कोई भी कोएफिशिएंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि यहां से इस 3s को मिस करा दिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए ना, सारे कोएफिशिएंट प्रेजेंट होने चाहिए, ये बात की आपको ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब आ जाओ थर्ड ऑर्डर में, अब यहाँ पे थोड़ी आपकी धड़कन बढ़नी चाहिए, थोड़ा सा घबराहट होनी चाहिए कि भाई सेकंड में भी हो गया, थर्ड में भी अगर हो जाए तो मजा आ जाए। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता यार सिस्टम की स्टेबिलिटी पे, ऊपर क्या लिखा है डज नॉट मैटर, ठीक है, ऊपर एस माइनस वन हो एस प्लस वन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल देखना है, ठीक है, तो पहले उस पर फोकस करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे थोड़ी दिल की धड़कन आपकी बढ़नी चाहिए कि यार फर्स्ट में भी हो गया, सेकेंड में भी हो गया, थर्ड में क्या होगा, अब देखो थर्ड में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, थर्ड में मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये है एक पॉलिनोमियल, ठीक है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम में दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि तीनों रूट्स रियल आ जाए, है ना, इसमें हो सकता है कि तीनों रूट्स रियल आ जाए, या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक रूट रियल आ जाए और दो कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स तो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स जब तक रियल हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में जब तक कोएफिशिएंट्स रियल हैं तब तक उसके जो रूट्स आएंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, समझ गए ना। अगर कोई भी ऐसा आपके पास पॉलिनोमियल है जिसके सारे कोएफिशिएंट रियल हैं, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री कर लो इसको, ये जब तक सारे रियल होंगे ना तब तक हमेशा जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, अगर एक रूट वन माइनस जे है तो एक रूट वन प्लस जे होना तय है। अगर इस ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री में से कोई एक इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स हो जाए फिर ये रूल वॉयलेट हो जाएगा, तो किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स जब तक रियल होंगे तब तक उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एक्सिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो सारे रियल ही होंगे, कंट्रोल सिस्टम में जितने भी आप पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे सारे के कोएफिशिएंट आपको रियल ही मिलेंगे, तो ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो तीन रियल रूट यहाँ पे मिल गए, अरे क्या हो गया, समझ गया ना, ठीक है, परफेक्ट। चलो तो अगर मान लो ये तीनों रूट्स रियल हो गए तो ये हमेशा एलएचपी पे लाई करेंगे, ऑल रूट्स इन एलएचपी, ठीक है, अगर एक रियल एक कॉम्प्लेक्स हुआ तो रियल वाला तो एलएचपी पे लाई करेगा, ये हो जाएगा प्रॉब्लम पॉइंट, ये खड़ी करेगा सारी की सारी समस्या। यानी कि अगर आपके पास एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम के अगर सारे के सारे रूट्स रियल आने वाले हैं तो वो सारे के सारे एलएचपी पे होंगे, इस बात की गारंटी, कब, जब ये सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम होगा, ये भी मैं लिख देता हूँ, साइन सेम होना चाहिए ना, सारे पॉजिटिव हो सारे नेगेटिव हो इट डज नॉट मैटर, यहाँ पे भी जब सारे के सारे कोएफिशिएंट आप सेम कर रहे हो तब की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ओके ए वन ए नॉट, ठीक है। तो अगर इसके भी सारे के सारे कोएफिशिएंट सेम साइन के होते, सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव,
इसके भी सारे के सारे कोएफिशिएंट सेम साइन के होते, सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव, तो उस केस में अगर इसके तीनों रियल आ जाते तो सारे रूट्स एलएचपी पे लाई करते। बट अगर एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स आते तो रियल तो एलएचपी पे आता, इस कॉम्प्लेक्स की लोकेशन कोई बता नहीं सकता है। तो अगर उस कॉम्प्लेक्स की लोकेशन कोई नहीं बता सकता है तो आप मुझे बताइए कितने लोग आप में से ऐसे होंगे जो इस सारे के सारे कोएफिशिएंट का साइन देख कर रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझे बताओ, ये कैलकुलेट हम कर ही ले रहे हैं कि तीन रियल रूट हैं, एक रियल दो कॉम्प्लेक्स है, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर हम रूट की कैलकुलेशन कर ही पा रहे हैं फिर तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ बिना रूट की कैलकुलेशन किए कितने लोग ये रिस्क लेंगे कि सर ए नॉट भी पॉजिटिव, ए वन भी पॉजिटिव, ए टू भी पॉजिटिव, ए थ्री भी पॉजिटिव, और उसके बाद भी हम बता सकते हैं कि पोल की लोकेशन क्या है, सारे पोल एलएचपी पे होंगे, आरएचपी पे होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। कोई नहीं लेगा ना, तो आप बोलोगे सर ये रिस्क तो नहीं लेंगे क्योंकि क्या पता तीनों एलएचपी पे आ जाएं, क्या पता एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स वाला बने तो ये एलएचपी पे हो और ये दोनों कॉम्प्लेक्स भी एलएचपी पे आ जाएं, क्योंकि इनके लोकेशन तो पता ही नहीं है। क्या पता ये दोनों कॉम्प्लेक्स जी ओमेगा पे ही आ जाएं, क्या पता ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपके राइट हाफ साइड पे चले जाएं, हो सकता है ना ऐसा, बोलिए। यानी कि अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर पॉलीनोमियल फर्स्ट ऑर्डर का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन देख के कमेंट कर सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन। सेकेंड ऑर्डर का है तब भी साइन देख के बता सकते हैं पोल्स की लोकेशन बिना कोई कैलकुलेशन। बट जैसे ही पॉलीनोमियल का ऑर्डर तीन या तीन से ज़्यादा जाने लगेगा साइन हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। साइन देख के कुछ भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं निकाला जा सकता है, सिर्फ साइन देख के ये नहीं बताया जा सकता कि पोल्स की लोकेशन एक्चुअल में क्या होनी चाहिए। क्या आप सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं? अगर करते हैं चैट बॉक्स में एक बार यस लिखो। फिर आते हैं यहाँ पे कि भाई अगर ऑर्डर ज़्यादा हो गया फिर लोकेशन कैसे बताएंगे, यहीं पे पिक्चर में आता आपका आरएच क्राइटेरिया। थर्ड ऑर्डर आपके पॉलीनोमियल हो गए, चौथा ऑर्डर, पांचवा ऑर्डर, दस ऑर्डर, सौ ऑर्डर, जैसे ऐसे सिस्टम का आप ऑर्डर बढ़ाते जाओगे आपके लिए मैनुअल कैलकुलेशन करना मुश्किल होता जाएगा। तो ऐसे केस में आरएच क्राइटेरिया आता है। राउत ने एक आपको टेबल बना के एक मेथड बताया, एक टेक्निक बताई जिसके बेसिस पे हायर ऑर्डर पॉलीनोमियल्स के रूट्स की लोकेशन आप बता सकते हो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे राउत उसकी गारंटी नहीं लेता है। राउत ये बोलता है कि भाई मैं लोकेशन बताने का तरीका बता सकता हूँ, आप ये बता सकते हो कितने एलएचपी, कितने आरएचपी, कितने जियोमेगा पे, इसकी गारंटी वो देगा आपको, बोलिए, है ना। कुछ केसेस में वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी बता देता है, तो वो कुछ केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। बट अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर हायर ऑर्डर पॉलीनोमियल्स आती हैं तो उनके रूट्स की लोकेशन बताने में राउत किस तरीके से सक्षम है, उसकी एक टेक्निक हमको सीख लेनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलो अब देख लेते हैं राउत ने क्या बताया, क्या बताया उन्होंने, क्या क्या करो, क्या क्या नहीं करो। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसे ये पॉलीनोमियल आपको दिख रही है, छः डिग्री की पॉलीनोमियल है ना। अब छः डिग्री की पॉलीनोमियल हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे कि सॉल्व करके रूट्स निकालें, बट हाँ राउत के हिसाब से अगर हम इस छः डिग्री की पॉलीनोमियल को एक टेबल में कन्वर्ट कर लें तो उस टेबल की मदद से हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि पोल्स की लोकेशन कहाँ पे, कितने एलएचपी, कितने आरएचपी, दिस दैट, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। राउत ने कैसे बनाया ये, आप टेबल्स आप लोग साथ में बनाते जाएंगे, जिनको नहीं आता, जिनको आता है वो भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर आपको कितने दिख रही है, एस पावर सिक्स, तो यहाँ पे लिख लीजिए एस पावर सिक्स, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, टेबल थोड़ा नीचे तक जाएगी, ये लीजिए एस पावर सिक्स, और उसके जस्ट नीचे उससे एक पावर कम करके लिख लो एस पावर फाइव। अब देखो एस पावर सिक्स मतलब सिक्स आपकी इवन पावर थी, तो इवन कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। एस पावर सिक्स का कोएफिशिएंट कितना था, ए नॉट। एस पावर फोर का कोएफिशिएंट कितना था, ए टू। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था, ए फोर। और लास्ट में एस पावर जीरो का कोएफिशिएंट कितना था, ए सिक्स। ये बात कितने लोगों को समझ में आई जल्दी से बताइए। ए नॉट यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे आपको ए टू दिख गया, यहाँ पे आपको ए फोर दिख गया, यहाँ पे आपको ए सिक्स दिख गया। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरी वन? परफेक्ट, परफेक्ट। अब नीचे वाले में तो ऑब्वियस है कि नीचे वाले में फिर इवन वाले को लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे ए वन लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ए थ्री लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ए फाइव लिख लेते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं था जीरो लिख देते हैं, बोलो सही बात है, ठीक है। अब इसके नीचे वाला कैसे लिखना ना, वो बहुत सिंपल है, ठीक है, बस ये दो चीज़ों में मेहनत आपको करनी होती है और कुछ नहीं। एस फोर, एस पावर फोर में अगर मुझे लिखना है, ठीक है, तो मैं थोड़े कलर्स डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे बी वन लिखना है, तो बी वन लिखने के लिए देखो आपको क्या करना होता है, बी वन लिखने के लिए आप इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर भी चेंज करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए वन ए टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ए वन
ए टू माइनस ए नॉट ए थ्री डिवाइडेड बाई ए वन, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। कैलकुलेट करके लिखोगे, एक सिंपल सा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ए वन को ए थ्री से मल्टीप्लाई करना, फिर आप ए नॉट को ए थ्री से मल्टीप्लाई करना। तो ए वन ए टू में से सब्ट्रैक्ट किसको करना, ए नॉट ए थ्री, डिवाइड हमेशा किससे करोगे, डिवाइड हमेशा करना जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है ए वन, इससे आपको डिवाइड करना, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर भी आपको एक एलिमेंट लिखने की जरूरत पड़ेगी, बी टू। बी टू आप कैसे लिखोगे, बी टू लिखने के लिए स्टार्ट अभी भी ए वन से ही करना है। इस बार आप किसको मल्टीप्लाई करना, इस बार आप मल्टीप्लाई करना ए फोर को। तो ए वन ए फोर में से सब्ट्रैक्ट किसको आप करोगे, ए नॉट ए फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा ए वन ए फोर माइनस ए नॉट ए फाइव, डिवाइड अभी भी किससे आप करोगे, ए वन से, है ना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है, लास्ट वाले में जो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो लास्ट वाले मल्टीप्लीकेशन में ये देखिए, अभी भी आप ए वन से स्टार्ट करेंगे, अभी भी आप ए वन से स्टार्ट करेंगे, ये लीजिए ए वन ए सिक्स, सब्ट्रैक्ट इसमें से क्या आप करेंगे, ए नॉट इंटू जीरो, मतलब कि जीरो ही हो गया। और जब ए वन से डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ पे ए सिक्स आ जाएगा। बस पहली लाइन अगर आपने सीख ली ना, उसके बाद तो ये ऑटो पायलट पे आपका चलता चला जाएगा। फर्स्ट लाइन जितने लोगों को लिखनी आ गई, उसके बाद का तरीका तो ऑटो पायलट वाला तरीका है। बी वन आपने लिख लिया, बी टू लिख लिया, ए सिक्स लिख लिया, यहां तक एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे का तरीका। बहुत ही बढ़िया, ए सिक्स आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बोलो, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सभी को, चलो बहुत बेहतरीन। अब देखो एस पावर फाइव कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, एक बार मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ कि अगर आपको ये वाली रो लिखना समझ आ गया ना, इसके बाद कुछ बचा नहीं है, इसके बाद तो बहुत सिंपल। अच्छा, किसी का मन हो तो यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी का मन है कि सर यहाँ पे लास्ट वाले में लिखने का मन कर रहा है, आप जीरो लिख लो, दैट इज नॉट नीडेड, सबको क्लियर है, परफेक्ट। चलो अब ये एस पावर फाइव वाला बताओ कैसे लिखोगे। देखो बी वन को ए थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो आपने यहाँ पे लिख लिया सी वन, मैं बस नेमिंग कर रहा हूँ, तो आपने लिखा बी वन ए थ्री, बी वन को आपने ए थ्री से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप बी टू को किससे मल्टीप्लाई कर लो, ए वन से, और डिवाइड आप इससे इसको हमेशा किससे करेंगे, बी वन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस बार मैं आपको इससे दिखा देता हूँ ना, अदरवाइज डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये जो आपको दो एरोज दिख रहे हैं ना, इन्हीं दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए बी वन को ए थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, बी टू को ए वन से, और बी वन से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो अब सी टू आप बता सकते हो कितना आ जाएगा, ये देखो सी टू अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम लोग C2 यहाँ पे लिखते हैं, C2 कितना हो जाएगा, स्टार्ट अभी भी आप B1 से करने वाले हैं, ये देखिए B1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, A5 से, A1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, A6 से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, B1 A5 माइनस A1 A6 डिवाइडेड बाय, डिवीजन तो B1 से ही होगा। इसके बाद आप देखो B1 को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, जीरो से, इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, जीरो से, तो यहाँ तो आपको फिर जीरो ही मिल जाएगा, और इसके आगे भी आप जीरो जीरो फिल कर सकते हो। चलो हाँ ना चलते रहना चाहिए चैट बॉक्स में, हाँ ना आप चलते जाओ, ठीक है। हाँ, इसको एस क्यूब कर लो, एस पावर फाइव में ये एस क्यूब कर लीजिए, सही बात है। चलिए तो एस पावर सिक्स हो गया, एस पावर फाइव हो गया, एस पावर फोर हो गया, एस क्यूब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बताओ अगर हम एस स्क्वायर यहाँ पे लिखना चाहें तो एस स्क्वायर कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा डी वन, डी वन की वैल्यू अब देखो बहुत सिंपल है, सी वन बी टू, ऐसे ही हो जाएगा। और D2 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आ जाएगी, D2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे A6 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से, और C1 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी सेम एज A6, नोट करिए, है ना। सिर्फ अगर आप पहली लाइन सीख गए, उसके बाद वाला सारा तरीका ऑटो पायलट वाला तरीका है, वो अपने आप आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब मुझे बताना एस पावर वन में क्या लिखोगे, देख रहे हो टेबल छोटी होती चली जा रही है। एस पावर वन में आप लिखोगे डी वन सी टू माइनस डी टू सी वन अपॉन डी वन, ये आपका जीरो, इसके आगे भी जीरो लिख सकते हो। और एस पावर जीरो में आपको क्या मिल जाएगा, ए सिक्स। टेबल कंप्लीट करिए आप लोग, बिल्कुल सेम तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है। इसके इमीडिएटली बाद डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, समझ गए ना। ये देखो डी वन सी टू माइनस डी टू सी वन डिवाइडेड बाई डी वन, यहाँ पे कैसे लिखोगे, लास्ट वाले में इसको मल्टीप्लाई करोगे ए सिक्स से, इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो से, इसी से डिवाइड कर दोगे, तो ए सिक्स लास्ट में आपका बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सभी को थोड़ा बहुत आता होगा, और ये जो मैंने मेथड आपको बताया, इस मेथड के थ्रू थोड़ा सा आपकी और प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं। एक क्वेश्चन भी इसी पे करवाता हूँ, इसमें सिर्फ हम लोग ये टेबल बनाने की प्रैक्टिस करते हैं।
यस नो में जल्दी से एक बार आप बता दो कि हाँ सर ये टेबल आती थी या आपने बताया तो समझ में आ गया, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको जल्दी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर आते हैं इसकी टेक्निकलिटीज पे कि राउथ टेबल को रीड आउट कैसे करना होता है। टेबल तो बना लेंगे, टेबल तो आप छठवीं क्लास में पढ़ने वाले अपने भाई को समझा दो, टेबल वो भी बना देगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेबल बनाना है ही नहीं, इंपॉर्टेंट है कि टेबल अगर बन गई तो उसको रीड आउट कैसे करना है, उसमें क्या क्या छुपा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो लोकेशन बता पाने में कैपेबल है, जो ये बता पा रही है कि किसी भी तरीके के पॉलीनोमियल में लोकेशन कैसे हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है चलो परफेक्ट, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा एस पावर फोर और एस क्यूब। एस पावर फोर में अगर आप देखें ये तीन, ये दो और ये वन। एस क्यूब में अगर आप देखें तो ये वन, ये टू, ये जीरो। चलो इसके आगे की टेबल आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए वन इंटू टू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा माइनस टू। यहाँ पे पुट कर लीजिए माइनस टू, समझ गए ना। कैलकुलेशन करनी भी हो तो अलग से किया करो, दो से मल्टीप्लाई करो, तीन दूना छः, सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी इसको वन से आपको डिवाइड करना है, टू से डिवाइड नहीं करना, तो ये आपको मिलेगा माइनस का फोर। ठीक है परफेक्ट। चलो अब बताओ इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद ये लीजिए इसको वन इंटू वन माइनस थ्री इंटू जीरो डिवाइडेड बाई वन, तो यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू दिखने वाली, एस स्क्वायर वाला आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। यस yes. तो आई थिंक अगर ये पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर है तो इसके बाद फिर हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। एलिमेंट सही लिखे हमने, यहाँ पे थ्री वन वन हो जाएगा। ठीक इसको वन कर लो, ये मैंने शायद दो लिख दिया, नीचे वाले ठीक है ना, वन टू जीरो ठीक है, ये एलिमेंट वन कर लो, तो यहाँ पे आपको माइनस पाँच ठीक है, ये एलिमेंट वन कर लो, ये शायद मैंने दो लिख दिया था, तीन है वन है वन है ठीक है। चलो अब एस स्क्वायर में आप बताइए क्या हो जाएगा। एस स्क्वायर में देखो जो अब माइनस वगैरह वाला जो साइन होगा ना, माइनस वगैरह वाले साइन को आप थोड़ा केयरफुली चूज करिए। माइनस पाँच को आप दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन, फिर वन और वन को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस वन, बट डिवाइड आप इसको किससे करोगे पाँच से, तो क्या यहाँ पे आपको माइनस इलेवन बाई फाइव दिखना चाहिए, चेक करके बताइए, है ना। हाँ ये ऊपर वाला थ्री वन वन मैंने करेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको माइनस फाइव आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या आपको माइनस का इलेवन बाई फाइव दिख रहा है, यस। उसके बाद जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पाँच को जीरो से, इसको जीरो से, तो यहाँ जीरो जीरो मिल जाएगा, और एस पावर वन में आप लोगों को क्या दिखेगा, इसको एस पावर वन कर लो, तो एस पावर वन में आपको मिल गया, एस पावर जीरो में आपको क्या दिखेगा, इसकी वैल्यू आपको दिख जाएगी, चेक करिए। चलो तो इसी बहाने हम लोगों ने टेबल बनाना एक बार सीख लिया, इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स के, ठीक है। अभी इस टेबल से कोई कंक्लूजन नहीं ले रहे हैं, इस टेबल से हम कोई आंसर नहीं निकाल रहे हैं, बस एक बार टेबल को बना के देख लिया कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे हम लोगों को एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ से रिलेटेड दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट अगर आप लोगों को क्लियर हो गया, ये कैलकुलेशन मैं साइड से हटा देता हूँ, ठीक है ओके। चलिए देखिए जब भी कोई राउट टेबल बन जाती है आपकी ना, तो वहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको इमीडिएटली नोटिस करनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ जैसे ये राउट टेबल बना, क्या इस राउट टेबल के फर्स्ट कॉलम को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे हम लोग इसके बाद कोई क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में हमने राउट टेबल बनाया और मैंने बोला कि भाई इसके फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व करो, तो क्या आप इस राउट टेबल के फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व कर लोगे, यस yes, आप ऑब्जर्व कर लोगे फर्स्ट कॉलम ये लिखा हुआ है। क्या आप इसके फर्स्ट कॉलम के साइन को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, साइन को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, जो एस पावर फोर के सामने लिखा हो उस एलिमेंट का साइन कैसा है, प्लस यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस यहाँ पे साइन कैसा है, सही बात है यस yes. तो साइन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें ऑड रो कौन कौन सी है, तो ऑड रो का मतलब क्या होता है, रो करेस्पॉन्डिंग टू ऑड पावर्स ऑफ एस। ऑड रो का मतलब क्या होता है, रो करेस्पॉन्डिंग टू ऑड पावर्स ऑफ एस। देखिए अगर आप यहां पे देखें तो एक ये रो है विच इज करेस्पॉन्डिंग टू ऑड पावर ऑफ एस, और एक ये रो है विच इज करेस्पॉन्डिंग टू ऑड पावर ऑफ एस, तो आगे से हम लोग शॉर्ट में इसको ऑड रो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं शॉर्ट में इसको, ऑड, ठीक है। तो जब भी आप राउथ बनाएंगे तो राउथ बनाने के लिए आप पहले राउथ बना लीजिए, उसमें जनरली दो चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक तो पहला कॉलम, पहला कॉलम ऑब्जर्व करने के बाद हर एक एलिमेंट का साइन क्या है, साइन करने के बाद फिर अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि भाई इसमें एक बार ऑड रो को ऑब्जर्व कर लो, तो आप ऑड रो को यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है,
अभी मैं कोई साइन चेंज वगैरह पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो बेहतर है कि अभी आप भी ना करें। जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपना थॉट प्रोसेस अलाइन करते जाओ। मैंने बताया ना राउत, में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है? यस, ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ना जल्दी जल्दी कुछ स्टेटमेंट्स पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि वो स्टेटमेंट्स सही है, गलत है, क्या नहीं है, और उन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करिए, ठीक है? देखिए, जब भी आप कोई भी राउथ टेबल बना लेते हो, ठीक है, तो राउथ टेबल बनाने के बाद आप किसी भी रो को, जो भी रो आपको अच्छी लगती है, जैसे मान लीजिए आपने ये रो चूज किया, ये वाली रो, या फिर ये रो, या फिर ये रो, किसी भी रो को आप एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? तो जब भी किसी राउथ टेबल को आप बना रहे हो, अगर आपको कहीं पर लगता है कि किसी रो में कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड, नेगेटिव नंबर से कभी डिवाइड मत करो, हमेशा पॉजिटिव नंबर से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, सपोज आपने कोई राउट टेबल बनाई, राउट टेबल बनाने के बाद आपने देखा कि उसके फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को ना, यही स्टेटमेंट है जो आपको गलती करवाता है एग्जाम्स में। अगर आपने कोई राउट टेबल बनाई, राउट टेबल बनाने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे कोएफिशिएंट के साइन पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जनरली आप क्या स्टेटमेंट देते हैं, आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर सारे के सारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे पोल्स LHP में लाई करेंगे, या सारे के सारे रूट्स LHP में लाई करेंगे। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपको क्या स्टेटमेंट देना चाहिए, अगर फर्स्ट कॉलम मैंने ऑब्जर्व किया, इसके सारे के सारे कोएफिशिएंट या फिर सारे के सारे साइन मुझे पॉजिटिव मिल गए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दूंगा कि इसका कोई भी रूट RHP में नहीं है। दोनों में अंतर है, अगर आप बोल रहे हो सारे रूट्स LHP में हैं, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि कोई रूट जियोमेगा एक्सिस पे नहीं है, है ना? ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप कोई भी RH टेबल बनाते हो, उस RH टेबल में अगर फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स का साइन सेम आता है, तो आप स्टेटमेंट क्या दोगे, आप स्टेटमेंट दोगे सर इसका मतलब है RHP में कोई भी रूट नहीं है, यानी रूट कहाँ पर हो सकता है, शायद जियोमेगा एक्सिस पे कहीं लाई करे, शायद वो LHP में कहीं लाई करे। तो दूसरा स्टेटमेंट कितने लोगों को क्लियर हुआ, बोलते जाओ, स्टेटमेंट फटाफट एक बार क्लैरिटी से समझते जाओ, उसके बाद सारे स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं वन बाय वन, उसको आपको अपने दिमाग में मैप कर लेना, दैट्स इट, है ना? तो पहला स्टेटमेंट, RH टेबल में किसी भी रो को आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, RH टेबल में अगर आपने फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व किया, उसके सारे के सारे साइंस आपको सेम मिले, सारे के सारे साइंस अगर सेम है, तो एक भी रूट RHP में लाई नहीं करेगा, या तो LHP में होगा या तो फिर जियोमेगा एक्सिस पे लाई करेगा। अब तीसरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेटमेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज आपने ये ऑब्जर्व किया कि भाई इसके सारे के सारे साइंस सेम थे, सपोज सारे के सारे साइंस पॉजिटिव थे, और यहाँ पे एक भी ऑर्डरो जीरो नहीं थी। ऐसे सुनिए, अगर एक भी ऑर्डरो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर ऑर्डरो जीरो नहीं है, इसका मतलब पोल्स कभी भी ओरिजिन के सिमेट्रिक हो ही नहीं सकते, और अगर पोल्स कभी ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं हो सकते, तो पोल्स कभी इमेजिनरी एक्सिस पे भी नहीं हो सकते, यानी कि उन सारे के सारे RH टेबल्स में जिसमें एक भी ऑर्डरो जीरो नहीं है, उसमें जे ओमेगा एक्सिस पिक्चर से हट जाता है, या तो फिर पोल्स आपके RHP में होंगे या तो फिर LHP में होंगे। आप जब भी RH टेबल बनाओगे, RH टेबल बनाने के बाद सबसे पहली नजर आपकी जानी चाहिए कि भाई ऑर्डरो जीरो है कि नहीं। अगर ये ऑर्डरो जीरो नहीं है कंप्लीटली, अगर ये कंप्लीटली जीरो नहीं है, तो आप जी ओमेगा को पिक्चर से हटाई दो। एक्चुअली सारी के सारी वो पॉसिबिलिटीज हट जाएंगे जहां पे रूट्स ओरिजिन के सिमेट्रिक आ रहे हैं, तो अगर आप सारी पॉसिबिलिटी हटा दोगे, तो जी ओमेगा तो अपने आप ही हट गया ना, सोच समझ के बताइए। सिस्टमैटिकली वन बाय वन सारी चीजें हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सपोज आपने कोई RH टेबल बनाई, आपने उसके ऑड रोज को ऑब्जर्व किया, जैसे ही आपने ऑड रोज को ऑब्जर्व किया, आपने पाया कि भाई कोई भी ऑड रो कम्प्लीटली जीरो नहीं थी। अगर ऑड रो कम्प्लीटली जीरो नहीं थी, तो वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हट गई, वो चार पॉसिबिलिटी जो हमने बनाई थी जिसमें आपके रूट सिमेट्रिक ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ रहे थे, तो अगर वो चारों हट गई, तो जे ओमेगा भी तो हट गया ना, और अगर जे ओमेगा गया वहां से, इसका मतलब अब जो लड़ाई होगी वो लेफ्ट और राइट के बीच में होने वाली है ना, ठीक है? तो अब आप मुझे सोच के बताइएगा ध्यान से, दो चीजें मैं इंक्लूड करता हूँ, दो चीजें मैं इंक्लूड करता हूँ, दोनों को सोच समझ के आंसर बताइएगा। कोई आपने RH टेबल बनाई जिसमें ये सारे पॉजिटिव है और एक भी ऑर्डरो जीरो नहीं है,
अब कितने लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं सर सारे के सारे रूट्स एलएचपी पे होंगे, एलएचपी पे होंगे, इस बात की गारंटी? बोलते जाओ। स्टार्टिंग से करो क्लास, स्टार्टिंग से जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। क्लास का जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है? तो जो लोग भी क्लास में बीच में जुड़े हैं उनको ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। उन्हीं लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ सकता है जो क्लास का पहला स्टेटमेंट ही जो मैंने बोला था वो यहाँ पे आके लिंकअप हो रहा है, ठीक है? तो जो लोग भी बोल रहे हैं उनको उनका यही रीजन हो सकता है कि आप क्लास में स्टार्टिंग में जुड़े नहीं, ठीक है? आई बात समझ में? कितने लोगों को समझ में आ गया यार, जल्दी से एक बार यस 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 कमेंट सेक्शन में भर डालो पूरा। तीनों चीजें मैं जल्दी से रिपीट करवाता हूँ। जो लोग क्लास से स्टार्टिंग में नहीं जुड़े इसके आगे की क्लास तभी आप कंटिन्यू करिए जो आपने स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड कर रखी हो, अदरवाइज आपको ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे जो शायद आपको समझ में नहीं आए। जो लोग स्टार्टिंग से कर रहे होंगे उनको ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत स्मूथली समझ में आ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, वेरी वेरी गुड। तो अब हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन को देख के क्या सोचने का नजरिया होना चाहिए? हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि पहले तो आर एस टेबल बना देंगे, बना लेंगे आर एस टेबल, बना देंगे आर एस टेबल। बनाने के बाद हम सबसे पहले उसमें ढूंढेंगे भाई कहीं ऑर्डर तो जीरो नहीं है, और अगर ये मिल गया कि कहीं पे भी ऑर्डर जीरो नहीं है तो यानी कि लड़ाई सिर्फ लेफ्ट और राइट की बच जाएगी, है ना? उसके बाद फिर हम जाएंगे फर्स्ट कॉलम का साइन चेक करेंगे। अगर फर्स्ट कॉलम के सारे साइंस क्या आ गए पॉजिटिव, तो इसका मतलब सारे के सारे रूट्स कहाँ आ गए एलएचपी पे। ये थॉट प्रोसेस के साथ कितने लोग अलाइंड है कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, यानी कि फर्स्ट कॉलम पहले देखना ही नहीं है। फर्स्ट कॉलम पहले देखेंगे तो कुछ गलतियां हो सकती हैं, पहले आरएच बनाने के बाद ढूंढेंगे कि कहीं ऑर्डर तो जीरो नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही ऑर्डर जीरो कहीं पे भी तो फिर फर्स्ट कॉलम का साइन चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स का साइन सेम है तो आंख बंद करके बोल देंगे सारे के सारे रूट्स एलएचपी पे लाई कर रहे, डेड श्योर है, पक्की बात है। ठीक है, थॉट प्रोसेस अलाइन हो रहा है, कैसे सोचोगे क्वेश्चन को देख के, परफेक्ट। चलो अब इसके बाद एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं, एक चीज में और ऐड करता हूं। देखिए आगे से आप एक चीज और कर सकते हो कि अगर आप फर्स्ट कॉलम का साइन ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक सिंपल सी चीज में ये ऑब्जर्व कर लेना कि फर्स्ट कॉलम में कितने बार साइन चेंज हो रहा है। जैसे प्लस 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 से माइनस कितनी बार साइन चेंज हुआ, प्लस से माइनस अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक बार आपका साइन चेंज हुआ, है ना? एक बार साइन चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस एक बार आपका साइन चेंज हो गया, है ना? तो फर्स्ट कॉलम में जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं उतने रूट्स इस पॉलिनोमियल के आरएचपी पे लाइक। तो अगर आप लोगों को ये चार स्टेटमेंट्स क्लियर हैं जो मैंने बताए तो राउत के क्वेश्चन को बहुत करेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और बहुत करेक्टली स्टेटमेंट्स दे सकते हो। कोई भी ऑर्डर हो, एनी ऑर्डर हो, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, तीन बार हो जाए, सारे केसेस भी अभी डिस्कस करेंगे। अभी तो बस मैं आपका थॉट प्रोसेस अलाइन कर रहा हूँ, सोचोगे कैसे, है ना? जनरली आप लोग क्या करते हो कि सीधे फर्स्ट कॉलम देख के, फर्स्ट कॉलम के साइन देख के आंसर कर देते हो, गलत तरीका है, ऐसा आंसर नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो पहले थॉट प्रोसेस करेक्ट कर लेते हैं, फिर अभी क्वेश्चन लगाया ही कहाँ, अभी तो एक भी क्वेश्चन लगाया ना आरएच क्राइटेरिया पे, तो क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चन लगा लगा के उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो क्या यही सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझाए, फटाफट पढ़ना शुरू करो। इफ एनी रो ऑफ आर एस टेबल इज मल्टीप्लाइडेड और डिवाइडेड बाई अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट देन रिजल्ट डज नॉट चेंज। कितने लोग इससे अग्री करते हैं? यार आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, आंसर करते जाओ। जो लोग भी सारी बातें समझ रहे हैं उनको आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट। फिर देखिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम इज हैविंग सेम साइन, सेम साइन पे फोकस करना, सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, सारे नेगेटिव हो सकते हैं, जनरली हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, देन नो रूट्स विल बी इन आरएचपी। ये स्टेटमेंट कितने लोगों को हिट कर रहा है जाके कि सर बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा है, आपने एलएचपी नहीं लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है कि कोई भी रूट आरएचपी में लाई नहीं करेगा। कितने लोग इस बात पर बिल्कुल अलाइंड है कि सर ये बात बिल्कुल हिट कर रही है जाके, इसका मतलब क्या हिट कर रही है, बात हिट करना चाहिए अंदर तक। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर हैविंग सेम साइन एंड देयर इज नो ऑर्डर, जैसे ही ऑर्डर जीरो नहीं होगा या फिर कोई भी ऑर्डर ऐसी नहीं होगी जो जीरो हो सकती है, तो वो सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगी, चारों पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, चारों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो जे ओमेगा अपने आप खत्म हो जाएगा, और जहां जे ओमेगा गया लड़ाई सिर्फ एलएचपी आरएचपी की है। साइन अगर फर्स्ट कॉलम के सारे सेम हो गए तो सिर्फ एलएचपी वाली पॉसिबिलिटी बची। थर्ड वाला देखो और बताओ, नो ऑर्डर जीरो, देन अब यहां पे बोल सकते हो आप ऑल रूट्स विल बी इन एलएचपी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स यार बहुत क्लैरिटी से आपके दिमाग में बैठने चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों स्टेटमेंट।
ठीक है, समझ में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस? अरे भाई जितने ज्ञानी लोग कमेंट सेक्शन में हो भाई, पहले ये तो समझ लो जो समझा रहा हूँ। मैं पहले ही क्लास में मैंने आप लोगों से बोला था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई आप लोगों को मुझसे कई गुना ज़्यादा ज्ञान है, आप लोग बहुत ज्ञानी हो, ये मैंने पहले ही क्लास में हाथ जोड़ के आप लोगों से बोला था। बस मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा जो ज्ञान मेरे पास है उसको अगर आप लोग ले लोगे तो ज्ञान में शायद थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, नहीं भी होगी तो जो ज्ञान आपके पास पहले से वो तो है ही है। तो मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ पहले उसको रख लो, सुन लो, समझ में आए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज तो आप तो हो ही मुझसे ज़्यादा ज्ञानी। मैं तो पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में यही बोलता हूँ, है ना। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं इस बात को एक्सेप्ट करने में कि आपके पास बहुत कूट कूट के भरा हुआ ज्ञान, मतलब छलक रहा है बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में बाहर जा रहा है वो ज्ञान। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मान चुका हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा आता, आपके कंसेप्ट क्लियर है, दैट आई एग्री। मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी मन की शांति के लिए, मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए सुन लो 2 घंटे मेरी बात, खड़ा हूँ चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे, सुन लो तो क्या हो जाएगा, कुछ उससे गलत तो नहीं होगा ना। जो आपका ज्ञान है वो तो रहेगा रहेगा, शायद एक आधा पॉइंट उसमें 19-20 हो जाएगा, तब भी मेरे पास कम ही रहेगा, आपके पास ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इस बात को सुन के समझ के फोकस इस पे करते हैं, मैं क्या स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, स्टेटमेंट्स में मैं क्या क्लैरिटी आपको दे रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में जाना चाहिए। अगर उस टाइम आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट चल रहा है जो आपने पहले से पढ़ रखा है, जो आपने पहले से कहीं से सीखा हुआ है, दोनों मिक्स होके दोनों चीज़ें खराब हो जाएंगी। मैं पहली क्लास में आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, आपको कुछ भी आता हो सारा का सारा ज्ञान निकाल के रखिए साइड में, एक एक स्टेटमेंट एक एक थॉट को ध्यान से सुनिए, थॉट प्रोसेस क्लियर करिए, जो आपके अंदर पूरा का पूरा कूड़ा कचरा भरा हुआ उसको डिटॉक्स करिए, डिटॉक्सीफाई करने के बाद सही कंसेप्ट सीखिए, उसको क्वेश्चन में अप्लाई करिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो सुनने पर बहुत फोकस किया करो यार, लर्निंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग। अगर आप सुनना बंद कर दोगे ना तो लर्निंग वहीं पर खत्म हो जाएगी। मुझे अगर कुछ सीखना होगा और मुझे कोई सिखा रहा होगा तो मैं हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगा और उसकी एक एक बात को सुनूंगा, और जब मैं उसको सुन लूंगा फिर मैं उसको अपनी तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं उसमें इंप्रोवाइजेशंस करूंगा, मॉडिफिकेशंस करूंगा। तो वो बेस्ट पार्ट आपकी लर्निंग का होता है। लर्निंग कभी ऐसे हो ही नहीं सकती कि सामने वाला बोल रहे हो और आप भी बोल रहे हो, टू वे मोड में कभी भी दुनिया की कोई भी चीज़ लर्न नहीं करे। लर्निंग इज ऑलवेज अ वन वे मोड, हमेशा ये आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, मैं बोलूंगा आप सुनोगे तभी जाके वो लर्निंग कंप्लीट होगी। अगर मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हो वो लर्निंग कंप्लीट नहीं हो सकती। हाँ, आप कब बोलोगे? जब मैं एक्नॉलेजमेंट आपसे मांगूंगा कि भाई समझ में आया नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से सिंप्लेक्स मोड में आ जाते हैं। क्लियर है सभी लोगों को बात? तो जिंदगी में कुछ भी आपको सीखना है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो था सुनना, लिसनिंग। सुनोगे अगर सीख जाओगे, नहीं सुनोगे तो 50 तरीके के डाउट पहले भी थे, आगे भी रहेंगे और आते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 3 स्टेटमेंट्स आई थिंक आप लोगों को बहुत क्रिस्टल क्लियर है। देखो, क्या चौथा स्टेटमेंट क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 50 बार आप लोगों ने इसको बोला भी था अपने दिमाग में, बोलो जल्दी बोलो, यस नो, परफेक्ट। चलो देखो क्या बोला गया इसमें, इफ देयर इज ऑड रो और ऑड रोज, बोला एक बार आपकी रो ऑड जीरो हो जाए या फिर कई सारी ऑड रो जीरो हो जाए, इन दैट केस कंप्लीटली जीरो लिख रहा है। ठीक है, समझ बोल देना सर एक एलिमेंट जीरो होगा तब भी ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। ठीक है, देन फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट, बड़ा यार ये एक स्टेटमेंट है ऐसा जो आपको ऐसी एबिलिटी प्रदान कर सकता है कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप किसी को अगर कंट्रोल सिस्टम पढ़ाते हो और आप उसको ये स्टेटमेंट तक पहुंचा देते हो तो फिर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा या हो जाएगी और कंट्रोल सिस्टम से बात आगे भी बढ़ सकती है। तो आप समझ सकते हो कि स्टेटमेंट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। अगर किसी भी राउट टेबल में ऑड रो एक बार जीरो हो जाए या एक से ज़्यादा बार जीरो हो जाए, दोनों ही केसेस में आपके जो पॉलीनोमियल के रूट्स होंगे दे विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। कहाँ पे किसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, वो 4 में से कोई भी एक केस बन सकता है। बात समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रूट्स इन RHP। जितने भी नंबर ऑफ साइन चेंजेस आपके फर्स्ट कॉलम में हो जाएंगे वो हमेशा इंडिकेट करेंगे कितने रूट्स आपके RHP में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी बात आपको क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, परफेक्ट। चलो, तो अगर आप ये 5 स्टेटमेंट सीख चुके हो मेरे साथ साथ तो सवाल लगाना शुरू करें आप। अब राउत के सवाल लगा लेते हैं फटाफट, कंसेप्ट क्लियर हो गया, थॉट प्रोसेस अलाइंड हो गया। कभी भी डाउट टेबल बनाएंगे पहली नजर आपकी कहां जाएगी, ऑड रो पे या फर्स्ट कॉलम पे? जल्दी से बताओ भाई,
कभी भी आप राउथ टेबल बनाओगे तो पहली नजर आपकी फर्स्ट कॉलम पे जानी चाहिए या फिर पहली नजर आपकी ऑर्डरों पे जानी चाहिए। तो आप बोलोगे सर पहली नजर तो हमारी जाएगी ऑर्डरों पे, क्योंकि जैसे ही ये पता चला कि ऑर्डरों जीरो नहीं है तो जी ओमेगा एक्सिस का लफड़ा ही खत्म हो गया, सारी की सारी लड़ाई अब एलएचपी आरएचपी में रह जाएगी। और फर्स्ट कॉलम जाके चेक कर लेंगे फिर, अगर उसके सारे साइन सेम है तो सब एलएचपी, और जितने साइन चेंजेस आएंगे उतने आरएचपी, ये बीच वाला लफड़ा तो कम से कम खत्म हो जाएगा। बोलो। अरे बोलो भाई, समझिए ना। तो सबसे पहले क्या खत्म करना है, सबसे पहले खत्म करना है लफड़ा, बीच वाला जो लफड़ा है ना जी ओमेगा वाला, उसको खत्म करो सबसे पहले। एक बार वो खत्म हो गया, एलएचपी आरएचपी तो हम देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। हाँ, सिमेट्री वाले सारे खत्म कर दिए आपने, तो चारों अगर खत्म हो गए तो जी ओमेगा भी तो खत्म हो गया ना यार, बात ही खत्म हो गई वहां पर। फिर एलएचपी आरएचपी में आराम से खेल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सारा लफड़ा खत्म करेंगे। चलो आरएच टेबल बनाना शुरू करते हैं। ये दिया है, इसका आरएच टेबल बनाना है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब यहाँ पे ना थोड़ा कैलकुलेशन आप मेरे साथ साथ ये ए नॉट कर लो यार। ठीक है, चलिए। ये उसने ये देना भूल गया, ये क्वेश्चन का ही पार्ट। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इसका हमें आरएच टेबल बनाना है। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसका आरएच टेबल। एस पावर वन यहाँ पे आ जाएगा, ए वन, एस पावर नॉट, ए नॉट, खत्म हो गई आरएच टेबल यहीं पर, है ना। इतनी छोटी सी आरएच टेबल बनेगी ना आपकी, चेक करिए। एस पावर वन में एक ही एलिमेंट है ए वन, एस पावर नॉट में एक ही एलिमेंट है ए नॉट, यहीं पे आरएच टेबल आपकी खत्म होगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या चेक करोगे, ऑड। जरा देखो ऑर्डर रो जीरो है, चेक करो। नहीं, ऑर्डर रो आपने चेक किया, यही थी ऑर्डर रो, और यहाँ पे ए वन की वैल्यू क्या थी, नॉन जीरो। तो आप बोल सकते हो ऑर्डर रो नॉट। ध्यान से सुनना ना, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा मैं, तो शॉर्टकट्स तक के लिए आपको क्लास के एंड तक बने रहना पड़ेगा। ऑर्डर रो जीरो नहीं है। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉलम का साइन चेक किया, तो फर्स्ट कॉलम का साइन सेम था। क्या स्टेटमेंट दोगे, बस आप मुझे ये बता दो। कितने लोग ये स्टेटमेंट देना चाहते हैं, सर ऑल रूट्स इन एलएचपी, ऑल रूट्स इन एलएच, बोलो भाई। सिंपल सी आरएच टेबल लिख देंगे, आरएच टेबल यहाँ पे ये लो, आर एच टेबल। ये लो आर एच टेबल, सिंपल है। ऑर्डरों पे पहली नजर गई, फिर फर्स्ट कॉलम, सेम साइन लिख देता हूँ लोग ना, सारी चीजें लिखवा डाल, सेम साइन। ये लो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अब तो क्लियर हो गया ना कैसे आपको स्टेटमेंट देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इसका भी आरएच टेबल बनाना है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये मिस प्रिंट हो गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। ए वन ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, चलो देखो आरएच टेबल यहाँ पे, आरएच टेबल यहाँ से बनाते हैं। आरएच टेबल में सबसे पहले एस स्क्वायर यहाँ पे आए, यहाँ पे आ जाएगा ए टू, एस पावर वन में क्या आ जाएगा, ए वन, क्या आ जाएगा, जीरो। एस पावर नॉट कैसे लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, ए वन ए नॉट माइनस जीरो डिवाइडेड बाई ए वन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे यार, ऑड। जैसे ही आपने यहाँ पे ऑड रो चेक किया तो ये था आपके सामने ऑड रो, ऑड रो। क्या ये जीरो था, नहीं, ए वन तो ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो आपने बोला दिस इज नॉन ऑड रो, क्योंकि जीरो नहीं था, तो जी ओमेगा वाला लफड़ा खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉलम के साइन चेक किए, प्लस प्लस प्लस। फर्स्ट कॉलम का आपने जब साइन चेक किया तो फर्स्ट कॉलम का साइन आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या यहाँ से बोल सकते थे ऑल रूट्स इन एलएचपी, बोलते जाओ भाई। तो बोलो यार, आ रहा समझ में क्या बता रहा हूँ मैं, अभी रूट्स बोलो, यही रूट्स बाद में पोल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में भी आपसे थोड़ी क्लैरिटी चाहूंगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे हमें रूट्स वर्ड यूज़ करना चाहिए। अगर यही पॉलिनोमियल कल को डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता तो रूट्स की जगह हम पोल्स वर्ड यूज कर लेते हैं। रूट्स और पोल्स में जितनी जल्दी खेलना सीख जाओगे उतनी जल्दी आपको राउथ तो क्लियर होगा ही होगा, नाइक्विस्ट में भी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, नाइक्विस्ट में भी रूट्स और पोल्स आते रहते बार बार ना, तो दिमाग ट्रेंड होता नहीं है तो कन्फ्यूज होते हैं। यहीं पर दिमाग को ट्रेन कर लो कि भाई डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का रूट मतलब सिस्टम का पोल, बात खत्म होगी। ठीक है, चलो ये बात सभी को क्लियर है, टेबल बन रही मस्त तरीके से, इसको हम लोग चेक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही। चलो इसमें क्यूबिक में लगाते हैं, क्यूबिक में देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। एस क्यूब, एस स्क्वायर,
एस टू द पावर वन. अब मैं आर एस टेबल हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, वो लोग आप वो आप लोग डाल लेना. तो ये हो गया आपका ए थ्री ए वन, ठीक है, ए टू ए नॉट. यहाँ पे ये देखो क्या हो जाएगा, ए टू ए वन. यार एक चीज़ यहाँ पे भी मिसिंग है क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है यार. ए वन ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट ग्रेटर देन जीरो, ये आपका हो गया ए थ्री ए नॉट बटा ए टू जीरो, और ये आपको मिल जाएगा ए नॉट के बराबर. कैसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ए नॉट से, इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो से, इसी से डिवाइड कर दोगे, ये मिल गया ए नॉट, ठीक है. चलो अब आते हैं ऑड रो पे, जरा देखिए अब इसकी जो ऑड रो है क्या वो जीरो होगी या नहीं होगी, इस बात पे सवाल है. आप खुद से सोच के देखिए, इसकी जो ऑड रो है ये जीरो हो भी तो सकती है, अगर ए टू ए वन और ए थ्री ए नॉट बराबर हो जाते तो हो सकती थी, यानी यहाँ से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बननी शुरू हो जाएंगी. तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनाऊँ तो आप मुझे बताएंगे क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है. चलो मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनाता हूँ, उससे पहले आप एक बार ये टेबल नोट कर लो और फिर आप यहाँ से कमेंट करना स्टार्ट कर. इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको फिर बड़े क्वेश्चंस लगाने का एक नजरिया मिल जाएगा, एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस बिल्डअप हो जाएगा, उसी को अल्टीमेटली हमें फॉलो करते हुए जाना है आज के सेशन में, ठीक है. चलो जल्दी जल्दी देखते हैं, इसको फिनिश करते हैं. चलिए यहाँ पे सबसे पहली पॉसिबिलिटी सपोज मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मैं ये लिखता हूँ कि जो ए टू ए वन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है ए थ्री ए नॉट. जैसे ही मैं ये चीज़ लिखता हूँ आप मुझे बताइए क्या ऑड रो कभी भी ज़ीरो हो सकती है? नो, कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई. साथ के साथ जो आपके साइंस होंगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या आप बोल सकते थे ऑल रूट्स इन एल एच पी? बोलते जाओ भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, सही बात है, परफेक्ट. सेकेंड में देखना, अगर मैं बोल दूं ए टू ए वन शुड बी लेस देन ए थ्री ए नॉट, तो देखिए ए टू ए वन अगर ए थ्री ए नॉट से कम हो गया तो ये अभी भी जीरो तो नहीं हुआ, नेगेटिव ही हो गया ज़्यादा से ज़्यादा. नेगेटिव होने से ऑड रो तो अभी भी जीरो नहीं हुआ, ऑड रो नॉन जीरो. अगर ऑड रो आपका नॉन जीरो है तो क्या अब आप बोल सकते थे, साइन चेंज चेक करिए, प्लस प्लस माइनस, कितनी बार साइन चेंज हुआ? एक बार यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, दो बार अगर साइन चेंज हुआ तो क्या हम ये बोल सकते थे कि एक एलएचपी में है और दो आरएचपी में, है ना, क्योंकि देखो जे ओमेगा वाला लफड़ा तो यहीं पे ख़त्म हो गया, है ना. जो नॉन जीरो आपकी रो थी ही नहीं, अगर आप नोटिस करें ऑड रो आपका नॉन जीरो था, तो जो लड़ाई है वो एलएचपी और आरएचपी में एग्जिस्ट कर रही है. तो एलएचपी और आरएचपी में अगर दो बार साइन चेंज हुए इस पर्टिकुलर केस में, तो दो आरएचपी में और एक एलएचपी में. सेकेंड केस एक बार जल्दी से कन्फर्म करो, फिर थर्ड वाले पे आते हैं. सेकेंड केस एक बार कंफर्म करिए, फिर थर्ड वाली पॉसिबिलिटी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, है ना. सही बात है, परफेक्ट परफेक्ट. चलो अब तीसरी वाली पॉसिबिलिटी पे आइए, और तीसरी वाली पॉसिबिलिटी पे एक स्टेटमेंट लिख के हम लोग रुक जाएंगे. देखिए अगर a3 a0 के बराबर आ जाए तो देखो यहां से क्या ऑड रो जीरो हो जाएगी? बोलो क्या यहां पे आपको ऑड रो जीरो मिल जाएगी? यस yes. जैसे ही आपको ऑड रो जीरो मिली आप स्टेटमेंट क्या देंगे? प्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट, बस इतना स्टेटमेंट लिख के आप रुक जाएंगे. इसके आगे कैसे डील करना है वो हमारी आज के क्लास का स्पेसिफिक केस है, एक बिल्कुल स्पेसिफिक केस है, उस केस के थ्रू इसको हम लोग एड्रेस करेंगे, ठीक है. यहीं पे आप रुक जाएंगे, इसके आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं. आज की क्लास में बिल्कुल स्पेसिफिक केस हम लोगों ने ले रखा है, उस स्पेसिफिक केस में इसको डिस्कस करेंगे कि अगर किसी राउथ में सारे के सारे रो और रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उनको कैसे प्रोसीड करते हैं, उस पर कैसे कमेंट्स किया जा सकता है, ये जो रूट्स आएंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन इन पे क्या कमेंट कर सकते हैं, उन चार केसेस में से कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है. बोलो यस yes.
तो बस इतना स्टेटमेंट बोल के हम लोग रुक जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ जीरो है तो आप सिर्फ ये स्टेटमेंट बोलेंगे और वहीं पे रुक जाएंगे। चलो ये तो जनरल बात हो गई, अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हम लोग करने वाले हैं यही आज की क्लास का असली लर्निंग है। इन सारे क्वेश्चन से हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या कमेंट करने वाले हैं, वही कमेंट एक्चुअली हमें आगे वाले क्वेश्चंस पे लिंकअप करेंगे। तो तैयार हो सभी लोग, एक बार चैट बॉक्स में यस में जल्दी लिखो यार, क्वेश्चंस करते हैं। मेरे ख्याल से 34 मिनट अपने पास बचे हुए हैं और उन 34 मिनट्स में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लेने चाहिए। जल्दी बोलो, ठीक है। थॉट प्रोसेस अलाइंड हो चुका है सबका, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है थॉट प्रोसेस, करना क्या है क्वेश्चंस। चलिए ये रहा पहला सवाल आपके सामने। अब आपको इसके जो रूट्स दिख रहे हैं ना, इन रूट्स की लोकेशन बतानी है बस, है ना। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है इसके कौन कौन से रूट्स आ जाएंगे, बस लोकेशन बता दो LHP RHP कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। चलो देखते हैं। और देखो सबसे पहले हम करते हैं S³ S² सारे क्वेश्चंस को राउट से सॉल्व करना, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे, अच्छा कई सारे लोग इसमें इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट एक्सटर्नल प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट लगाते हैं, वो कंसेप्ट बहुत सारे जगह पे फेल हो जाता है। वो कहाँ पे वैलिड होता है वो लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे लिखवाऊंगा। तो किसी भी क्वेश्चन में LHP RHP भी नहीं लगाना है, सॉरी इनर प्रोडक्ट एक्सटर्नल प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट मत लगाना, बहुत जगह पे फेल होता है, बहुत सारी जगह पे आप गलत कर बैठोगे आंसर। कब वो लगेगा, कब वैलिड होता है, उसका मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा, बट अभी के लिए वो मैं आपके दिमाग में डाल ही नहीं रहा हूँ। अभी के लिए पहले मैं आपको बेसिक सिखा देता हूँ, फिर मैं उसकी लिमिटेशंस भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया 1 1, यहाँ पे आपने लिखा 3, यहाँ पे लिखा आपने 9, ये आपका हो जाएगा 3 - 9 / 3, तो ये -2 आपका हो जाएगा, ये 0 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना। ये मिला, जैसे ये मुझे मिल गया मेरी सबसे पहले नज़र गई ऑड रोज़ के ऊपर। मैंने देखा भाई ना तो ये वाली ऑर्डर जीरो थी, ना तो ये वाली ऑर्डर कंप्लीटली जीरो की बात हो रही नहीं थी, तो मैं एक चीज़ के लिए मेक श्योर, अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, अब मैं सोचूंगा, तो मैं एक चीज़ के लिए मुक्त हो गया एक चीज़ से कि लेफ्ट राइट में ही लड़ाई होगी, जी ओमेगा तो पिक्चर के बाहर हो गया। फिर मैं साइंस पे आया, प्लस प्लस माइनस प्लस, एक बार साइन चेंज यहाँ एक बार यहाँ, यानी कि इसके दो रूट्स कहाँ पे लाई कर रहे थे, दो रूट्स इसके लाई कर रहे थे RHP पे, और एक रूट इसका कहाँ पे लाई कर रहा था LHP पे। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, अगर ये किसी सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे आप क्या कमेंट करते, बोलो भाई। मान लो यही पॉलिनोमियल जो आप देख रहे हो, अगर किसी सिस्टम का ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता तो उसकी स्टेबिलिटी पे आप क्या कमेंट करते? हाँ ये 9 होगा, इसको 9 करो। बोलो अनस्टेबल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनस्टेबल। अगला सवाल, ये सवाल रहा आपके सामने, चलो देखो ये आ गया S³ S² S^1 S^0, ये आपको मिल गया 1, ये आपको मिल गया 3, ये मिल गया -9, मिल गया -4। तो सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा -27, सही लिखा ना मैंने, 1 3 -9 -4, ठीक है। तो ये -27 23, ये 3 0 -4, चेक करिए, ठीक। चलो अब सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑर्डरों को आइडेंटिफाई किया, ये देखिए ये वाली ऑर्डर कोई भी कम्प्लीटली जीरो नहीं थी, यानी कि जी ओमेगा पे कोई रूट आ ही नहीं सकता, जी ओमेगा खत्म हो गया, LHP RHP डिसाइड करना है, प्लस माइनस प्लस, इतने साइन चेंजेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर तीन साइन चेंजेस आ गए तो इसके तीनों के तीनों रूट्स कहाँ पे लाई करने चाहिए थे, RHP। एक बात आप मुझे बताइए, छोटी सी एक बात बताइए, अगर यही पॉलिनोमियल कल को किसी सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता तो वो करेस्पॉन्डिंग सिस्टम आपका स्टेबल होता या फिर अनस्टेबल हो जाता, बोलो। समझ गए ना, चलो अगले सवाल पे आओ। ये रहा अगला क्वेश्चन, S³ S² S^1 S^0, एलिमेंट्स लिखो, 1 1
माइनस फोर और सिक्स। अब ये माइनस फोर और सिक्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो मैं दो से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं दो से डिवाइड करता तो इसकी जगह पे लिख देता माइनस दो और इसकी जगह पे लिख देता तीन और इसको काट देता, समझ गया ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाती। माइनस चार से भी ऐसा नहीं, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बट ठीक है, दो से हम मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं, तो दो से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आपको देखो क्या मिलेगा, माइनस दो माइनस तीन, तो ये मिल जाएगा फाइव बाई टू जीरो, ये मिल जाएगा। ऑड रो पे सबसे पहले नज़र जानी चाहिए यार, सबसे पहले नज़र ऑड रो पे जानी चाहिए, ना तो ये वाला कम्प्लीटली जीरो ना तो ये वाला कम्प्लीटली जीरो, जी ओमेगा का लफड़ा खत्म, जो होगा लेफ्ट और राइट में लड़ाई रहेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बार यहाँ पे साइन चेंज, एक बार यहाँ पे साइन चेंज, तो आपके दो रूट्स, अरे ये प्लस ना, तो यहाँ पे दो रूट्स कहाँ पे लाई करेंगे, आर एच पी पे, और एक रूट आपका यहाँ पे कहाँ लाई कर जाएगा, एल एच पी पे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि कल को अगर यही पॉलिनोमियल किसी सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो जाता तो उस केस में इसके स्टेबिलिटी पे आप क्या कमेंट करते, तो आप बोलते उस केस में वो सिस्टम हो जाता अनस्टेबल, है ना। अगले सवाल पे चले, ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखो, मजा आ रहा क्वेश्चन लगाने में, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, चलो ये क्वेश्चन लगाते हैं। एस पावर फोर, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस पावर वन, एस पावर जीरो, ये देखिए एस पावर फोर में अगर मैं लिखूं यहाँ पे ये हो गया एक अट्ठारह आठ, और देखो यहाँ पे आठ और सोलह दिख रहा है ना, तो इसकी जगह पे क्या मैं वन और टू लिख दूं, ये समझ गया मैंने कैसे लिखा, देखिए जरा यहाँ पे आपको दिख रहा है आठ और यहाँ पे दिख रहा है सोलह, तो मैं आठ और सोलह की जगह पे सीधा आठ से डिवाइड कर दूं, इसको एक लिख लूं, इसको दो लिख लूं, इससे हो सकता है मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, देखिए आसान हो भी जा रही है, अट्ठारह इंटू वन माइनस दो और ये आपको मिल जाएगा सोलह, ये आपको मिल जाएगा वन इंटू एट माइनस जीरो और ये वैल्यू आपको मिल गई एट, ये तो मिल गए। अब इस सोलह और एट को भी अगर आप चाहते तो दो और वन लिख सकते थे, तो दो कर लेते और इसको आप वन कर लेते, यहाँ तो खैर जीरो जीरो ही हो जाएगा। आगे देखो क्या मिलेगा, टू इंटू टू फोर थ्री, तो ये मिल जाएगा वन पॉइंट फाइव, यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी जीरो जीरो और यहाँ पे मिल जाएगा वन, चेक करो। अब देखो पावर फोर होगी ना, पावर फोर में भी आप इजीली अप्लाई कर पा रहे होगे, ठीक है। उसके बाद आपकी नज़र जानी चाहिए थे सारी की सारी ऑड रोज के ऊपर, बिना ऑड रो पे नज़र डाले यार एल एच पी आर एच पी का कभी भी डिसीजन मत देना। कितने लोगों ने पहले ऑड रो चेक कर ली थी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ऑड रो कोई भी कंप्लीटली जीरो नहीं है, इसका मतलब जी ओमेगा वाला सारा का सारा लफड़ा खत्म हो गया, सारी लड़ाई अब एल एच पी आर एच पी के बीच में। अब उस लड़ाई के बीच में डिसीजन कैसे लिया जाएगा, फर्स्ट कॉलम आके आपकी मदद करेगा, प्लस 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 प्लस, सारे के सारे साइंस अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो गए तो आप बोल सकते थे यहाँ से कि ऑल फोर, ऑल फोर रूट्स इन एल एच पी, एल एच पी का मतलब होता है स्ट्रिक्टली एल एच पी। मुझे बताइए अगर ये पॉलिनोमियल किसी सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी पे आप क्या कमेंट कर सकते थे, आप बोलते सर वो सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल होता। आपने ये जो चार डिग्री की इक्वेशन दिख रही थी इसके रूट्स की कैलकुलेशन ही नहीं करी, आपने इसके रूट्स निकाले ही नहीं, आपने इसके रूट्स की कोई वैल्यू पता भी नहीं आपको कि इसका कौन सा रूट्स आएगा, इनफैक्ट आपको ये भी नहीं पता है कि इसके रूट्स रियल आएंगे कि कॉम्प्लेक्स आएंगे कि क्या आएंगे, बट इतना आपको पक्की बात है जो भी आएंगे वो सारे के सारे स्ट्रिक्टली एलएचपी पे लाएंगे, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर सिस्टम आपका एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम हो जाता है। चलो अगला सवाल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहले तो रूट्स के बारे में कमेंट करना है, रूट्स के बारे में एक बार आप कमेंट कर लेते हो, उसके बाद आपको किसके बारे में कमेंट करना है, अगर यही पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो जाता तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता, दो तीन, दूसरा आपका है एक पाँच जीरो, तो ये आपका हो जाएगा तीन तीन माइनस दस है, तो ये हो जाएगा आपका दस, और ये फिर इसके बाद माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव बाई सेवन जीरो, और ये आपका टेन। सबसे पहली नज़र ऑड रो पे जानी चाहिए, ठीक है, अब तक की आदत पड़ जानी चाहिए, एक भी ऑड रो कम्प्लीटली जीरो नहीं है, इसका मतलब एल एच पी आर एच पी का पूरा लफड़ा खत्म हो गया, जो होगा आपका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के बीच की लड़ाई का ये तीन है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक बार यहाँ पे साइन चेंज हुआ, एक बार यहाँ पे साइन चेंज हुआ, और कितने डिग्री की क्वेश्चन थी, चार डिग्री की, तो यहाँ पे दो रूट आपके कहाँ पे लाई कर जाएंगे, दो रूट आपके लाई कर जाएंगे आर एच पी पे, और दो रूट आपके आने चाहिए थे एल एच पी। देखिए कि आप लोगों का भी
सेम आंसर आ रहा है या नहीं, चेक करो। ऑड रो जीरो चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है यार, अदरवाइज गलती कर बैठोगे। अगर सिर्फ आप फर्स्ट कॉलम के साइन पे रिलाई कर रहे हो ना, गलत कर दोगे सवाल। यहाँ पे गलती करोगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मान लो कल को यही पॉलिनोमियल आपके सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो जाता, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे आप क्या कमेंट कर सकते थे, स्टेबल या फिर अनस्टेबल? तो आप बोलते सर वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अब आते हैं इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं यहाँ से, फिर आपके कुछ पॉसिबिलिटीज क्रिएट। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या क्या आंसर आएगा। चलो अब आते हैं, जब आप राउट टेबल बनाओगे ना, तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। एक डिफिकल्टी तो आपको ऑलरेडी पता है कि सर अगर कोई भी ऑर्डर हो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो क्या करेंगे, बट उससे पहले भी एक डिफिकल्टी आती है। क्या डिफिकल्टी आती है, जैसे मान लो आप कोई राउट टेबल बना रहे हो, राउट टेबल बनाते टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट अगर नॉन जीरो हो गया, ठीक है, सॉरी कॉलम का नहीं रो का, फर्स्ट एलिमेंट अगर जीरो हो गया जबकि सारे के सारे अदर एलिमेंट्स आपके क्या हैं, नॉन जीरो, समझ गए, सारे के सारे अदर एलिमेंट्स आपके क्या है, नॉन जीरो। तो आप राउट टेबल बना रहे हो, राउट टेबल बनाते बनाते फर्स्ट एलिमेंट ही जीरो मिल गया बट उसके आगे के सारे नॉन जीरो हैं। तो ऐसे केस में देखो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अगली रो लिखने की कोशिश करोगे तो उसमें पहला एलिमेंट इन्फाइनाइट आ जाएगा। क्यों, इसलिए इन्फाइनाइट आ जाएगा कि अगर आप यहाँ पे जीरो आइडेंटिफाई कर रहे हो और आप ये एलिमेंट लिखने जा रहे हो, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और जीरो से डिवाइड कर दोगे। जैसे आप जीरो से डिवाइड करोगे, पॉसिबिलिटी वहाँ पे इन्फाइनाइट आने की क्रिएट हो सकती है। तो अगर किसी भी कॉल, किसी भी राउट टेबल को बनाते समय किसी भी रो का पहला एलिमेंट अगर जीरो आ जाता है, बाकी सारे नॉन जीरो हैं, तो फिर राउट को कैसे प्रोसीड करते हैं, उसका एक सिंपल सा तरीका मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आइए इसका राउट बनाने की ट्राई करते हैं। तो ये हो गया एस पावर फोर, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस टू द पावर वन, एस टू द पावर जीरो, ऐसा दे रखा है। इसके अगर आप एलिमेंट्स चेक करें तो ये आपको दिख जाएगा तीन 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 दो, ये मिल जाएगा आपका वन वन, ठीक है। आइए एस स्क्वायर के एलिमेंट्स लिखते हैं, देखिए थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाई वन, ये मिल गया जीरो, पहला एलिमेंट जीरो हो गया। अगला एलिमेंट भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा आपने वन इंटू टू, थ्री इंटू जीरो डिवाइडेड बाई वन, तो यहाँ पे आपको मिल गया ये जीरो। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे इस रो का पहला एलिमेंट जीरो हो गया, अगर इसका पहला ही एलिमेंट जीरो हो गया तो फिर टेबल आगे कैसे प्रोसीड करते हैं, उसका एक आसान सा तरीका होता है। आप क्या करो, जो यहाँ पे आपको ये जीरो दिख रहा है ना, ये जीरो, इस जीरो को आप एक डी से रिप्लेस कर लो। डी यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव, जीरो प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह इसको ट्रीट करते हैं। तो डी इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू जिसको कि आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो अब आगे टेबल बढ़ सकती है, डी इंटू वन माइनस टू अपॉन डी यहाँ पे मिल गया आपको। आगे यहाँ पे देखोगे डी इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, तो ये वैल्यू आपको जीरो ही मिल जाएगी, यहाँ पे भी जीरो। लास्ट वाला एलिमेंट देखो आपको क्या मिलेगा, टू इंटू डी माइनस टू अपॉन डी, ये तो चलो आपको टू मिल जाएगा। आप चेक करके देख लेना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, इससे डिवाइड करोगे, ये आपको लास्ट में टू मिल जाएगा। तो अब कुल मिला जुला के आपको अगेन ऑर्डर चेक करनी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखो ऑर्डर चेक करने पे आए, जैसे अगर हम ऑर्डर यहाँ पे चेक करें तो देखिए क्या ये ऑर्डर जीरो है, नहीं, ये वाली ऑर्डर जीरो हो सकती है, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो, क्योंकि ये जो डी की वैल्यू है ये तो जीरो के आसपास है, डी की वैल्यू कभी टू तो हो ही नहीं सकती। अगर डी की वैल्यू कभी टू ही नहीं हो सकती तो ये भी कभी जीरो नहीं हो सकती, यानी कि एलएचपी और आरएचपी का सारा खेल बचा हुआ है, जियो मेगा का तो पूरा खेल खत्म हो गया, जियो मेगा पे कभी पोल्स नहीं आ सकते। आइए साइन चेक करते हैं, इसका साइन प्लस, ये तो पॉजिटिव है, ये प्लस है, इसका साइन कैसे चेक होगा, आओ इसको अलग से चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका डी माइनस टू अपॉन डी, इसको आप लिख सकते थे वन माइनस टू अपॉन डी, ये वैल्यू हो जाती वन माइनस टू अपॉन जीरो, वन माइनस इन्फाइनेट, माइनस इन्फाइनेट। वैल्यू से हमें क्या करना है, हमें तो बस साइन चाहिए, हमें तो बस साइन चाहिए, तो ये साइन नेगेटिव हो गया। अब देख लो कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस आपके यहाँ पे हो रहे हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, दो साइन चेंजेस हो गए, यानी कि इसके दो रूट्स हमेशा कहाँ पे लाई करेंगे, आर एच पी पे। चार डिग्री की अगर इक्वेशन है तो बाकी बच्चे कुछ दोनों रूट्स कहाँ पे लाई कर जाएंगे, एल एच पी। आई बात समझ में, बोलो क्लियर है बात सभी को?
परफेक्ट, ठीक। चलो अब आते हैं उस प्रॉब्लम पे जिसका हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से इंतजार था। अब उस प्रॉब्लम की बात करते हैं कि जब आप कोई राउट टेबल सॉल्व करोगे तो उसमें ऑड रो अगर कंप्लीटली जीरो हो जाए तो वहां से क्या क्या कमेंट देंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। वो शॉर्टकट आपको अलग लेवल पे लेके जाएगा और क्वेश्चंस में बिल्कुल अलग सा इंटरेस्ट पैदा कर देगा। तो अगला जो आधा घंटा है, थोड़ा सा डीप ब्रीथ ले लो, पानी पी लो, फुल कॉन्सेंट्रेशन से आपको मेरे साथ रहना है। तो ये वाले सारे केसेस बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर तरीके से फिट हो जाएंगे, किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों तरीके इसके सीखने हैं, दो चीज़ें मैं हर एक क्वेश्चन में आपसे करवाने की कोशिश करूंगा। आप इस क्वेश्चन की अगर हेडिंग पढ़ेंगे तो बोला जा रहा है व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर बिकम जीरो। दो केसेस में आपको करवाता हूं, पहला केस जिसमें ऑर्डर सिर्फ एक बार जीरो होता है और दूसरा केस जिसमें ऑर्डर दो बार जीरो हो सकती है या मल्टीपल टाइम जीरो हो सकती है, तो वहां पे हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तैयार हो सभी लोग? तो पहले केस की बात करते हैं जिसमें ऑर्डर एक बार जीरो हो जाए। अगर सभी लोग तैयार हो तो चैट बॉक्स में एक बार यस बोल दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग वापस से कॉन्सेंट्रेट हो चुके हो। अपना व्हाट्सएप वगैरह सब बंद कर दिया आप लोगों ने, टेलीग्राम बंद कर दिया, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह क्लोज करके वापस से फोकस करने आ गए हो कि सर यही वाला केस है जिसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ये वाला केस अच्छे से क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली कभी इवन रो जीरो होती नहीं है ना, अगर कभी इवन रो जीरो हो रही है इसका मतलब आपको वहां से बस एक एस का कोएफिशिएंट कॉमन ले लेना है जिसमें एक पोल आपका ओरिजिन पे आ जाएगा या एक रूट ओरिजिन पे आ जाएगा, वो वापस से ऑड रो जीरो वाला कंसेप्ट ही क्रिएट करेगा। समझ गए ना? तो ऑड रो जीरो वाला केस आपका बेस वाला केस होता है। अगर ऑड रो जीरो वाला आपका कंसेप्ट क्लियर आ गया, क्लियर हो गया, तो इवन रो जीरो वाला कभी केस बन ही नहीं सकता। इवन रो जीरो में क्या होगा, आप आपके सारे के सारे पॉलिनोमियल में एस का कोएफिशिएंट कॉमन होगा, उस एस के कोएफिशिएंट को बाहर निकालोगे तो एक पोल आपका ओरिजिन पे आ गया, बाकी फिर आप वही ऑड रो जीरो वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। तो वो डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, चलो अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, चलो पहला ये क्वेश्चन का आपको बताना है कि कितने पोल्स रूट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं लाई कर रहे हैं, दिस दैट ये सब आपसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ, आप बिल्कुल नोट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। पहले क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से पूरी मेरी बातें सुन ली तो अगले क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करिए, मैं आपको टाइम भी दूंगा क्वेश्चन लगाने। ठीक है, अग्री कर रहे हो आप लोग? तो पूरा फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, मेरे एक एक वर्ड्स पे होना चाहिए, एक एक स्टेटमेंट पे होना चाहिए, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देखिए मैं इसका राउथ बनाने के लिए एक्साइटेड हूँ तो मैं इसका राउथ बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन मुझे दिखा मुझसे इसके रूट्स की लोकेशन पूछी गई, मैंने राउथ बनाना स्टार्ट किया। ये वैल्यू मैंने लिख दी 1, ये मैंने लिख दिया -3 और ये वैल्यू मैंने लिख दी 2। एस क्यूब में मुझे यहाँ पे दिख रहा था 1 और ये वैल्यू मैंने लिख दी -1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 -3 2 1, ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप नोटिस करें तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ -3 और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो +1 और 1 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल रहा माइनस का, मिल रहा है। चलो मैं आगे देखते हैं, 1 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2, इससे 1 को मल्टीप्लाई किया 0 और यहाँ पे मुझे मिल गया 2, यहाँ पे एस स्क्वायर बिल्कुल परफेक्टली अपना। एस पावर 1 जब मैं लिखने जाऊंगा तो -2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2, इससे मल्टीप्लाई किया, तो अभी भी मुझे थोड़ी सी आशा है कि शायद यहाँ यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए तो मैं इस 0 को डी मान के काम खत्म कर दूँ और कहानी को आगे बढ़ा दूँ। बट अब मैं आगे देखूंगा तो 2 × 0, दिस इंटू 0, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0। कितने लोगों को यहाँ पे ऑर्डरो इमिडिएटली 0 दिख गया? जैसे ही आपको यहाँ पे ऑर्डरो 0 दिखा आपको यहीं पे एक स्टेटमेंट लिख देना चाहिए था, फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना? ये स्टेटमेंट तो यहीं पे लिख दिया करो ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे। अच्छा, कोई ऐसा है जिसने ऐसा लिख दिया था क्या कि रूट्स विल बी एट इमेजिनरी एक्सिस? जल्दी बताओ कोई ऐसा है जिन्होंने ऐसा लिखा है रूट्स विल बी एट इमेजिनरी एक्सिस? नहीं, स्टार्टिंग में ही मैंने मना किया था, आप स्टेटमेंट दोगे भी तो क्या दोगे, फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये स्टेटमेंट आप लिख के बैठ गए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाने के लिए देखो बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है, आपको यहाँ पे बनाना होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ मैं साइड में बनाता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए ई से उसको डेजिग्नेट करता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है लाइन, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी बनती है फ्रॉम द इवन रो जस्ट अबव द ऑड रो। ये ऑड रो जीरो हो रही थी ना, इसके जस्ट ऊपर वाली इवन रो से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दो। -2 के सामने क्या लिखा हुआ है?
एस स्क्वायर। तो आप क्या लिखिए, आप क्या लिखिए, ये देखिए माइनस टू एस स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखा हुआ टू, तो एस स्क्वायर में से दो पावर कम कर दो, क्या बचेगा, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। कितने लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना समझ में आ गया, पहला एलिमेंट तो साफ साफ लिखा हुआ माइनस टू एस स्क्वायर, उसके बाद पावर में से दो दो कम करते चले जाओ, समझ गए ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते तो बनाते वन इंटू एस पावर फोर माइनस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू, पावर में दो दो कम करते चले जाते। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कभी भी इक्वल टू जीरो मत लिखा करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में इक्वल टू जीरो लिख देते हैं और इस माइनस साइन को इक्वल के उधर लेके चले जाते, ये सिली मिस्टेक कभी मत करो, कभी जिंदगी में ये सिली मिस्टेक मत करना। ऑक्सिलरी इक्वेशन में साइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो यहाँ लिखा हुआ है ना माइनस टू एस स्क्वायर प्लस टू, ये ऐसा ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर हम इक्वल टू जीरो लिख के इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, बात तो सेम ही हो जाती, नहीं भाई बात सेम नहीं है, गलत है। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसी लिखी है वैसे ही रहनी चाहिए। चलिए सबसे पहली चीज़ तो ये समझ आई। अब अगर आप इस राउत को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ये वैल्यू आ गई माइनस फोर, मिल गई माइनस फोर, तो इसकी वैल्यू पावर वन। अब जैसे ही आप ये डी ए एस बाई डी एस को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको ये रो कंप्लीट करने का मौका दे रहा है। एस पावर वन के आगे लिखा माइनस चार, यानी जो जीरो आपको दिख रहा था इस जीरो को अब आपको रिप्लेस करके क्या लिखना चाहिए था, माइनस चार। देखो इसमें इसके आगे कोई एलिमेंट तो था नहीं, तो बाकी सारे एलिमेंट्स को तो आप जीरो से ही रिप्लेस कर सकते थे, इसको तो आप जीरो से ही रिप्लेस कर सकते थे, तो यहाँ पे आपको मिल गया माइनस चार। लास्ट वाला एलिमेंट आप बता सकते हो कितना मिल जाएगा, लास्ट एलिमेंट अगर हम लोग देखें तो हमको मिल जाएगा माइनस चार इंटू टू माइनस एट, ये तो जीरो हो जाएगा, चार से आप डिवाइड करेंगे ये वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक पहले आप नोट करिए, इसके बाद की कहानी आगे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर सारे पॉइंट्स होने चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ जीरो जहां पे भी हो गई उसके सामने ये स्टेटमेंट्स लिखा हुआ नजर आना चाहिए। फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आपने लिखा, अभी टेबल कंप्लीट की, अब कंक्लूजन में ही शॉर्टकट्स आपके आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। दो से डिवाइड भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपका मन है सर मैं यहाँ माइनस वन वन लिखना चाहता हूँ, एनी डे आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात सबको समझ में, नोट करके एक बार कमेंट सेक्शन में डन लिख देना, फिर मैं यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ, वो शॉर्टकट्स आप लोग हमेशा याद रखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी फ्रॉम द इवन रो जस्ट अबव द ऑड रो, जो भी इवन रो दिख रही है ना उसी से बनाना है। ये ऑड रो आपकी जीरो थी, इसके ऊपर से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। सभी लोग डन लिखो यार, इसके बाद दो दो कंसेप्ट यहां पे डिस्कस करने, कंसेप्ट वन कंसेप्ट टू, हो गया। सभी लोग डन लिखो, तभी मैं आपको बताऊंगा, दो कंसेप्ट यहां पे बताऊंगा, इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस पे वो कंसेप्ट्स आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करोगे। डन, अब सुनने के लिए तैयार हो मेरी बात को, ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, उन सारे के सारे राउथ टेबल्स में जिसमें ऑड रो कम्प्लीटली जीरो हो रही है, उन सारे के सारे राउथ टेबल में जिसमें ऑड रो कम्प्लीटली जीरो हो रही है, वहां पे आप रूट्स की लोकेशन भी बता सकते हो और रूट्स की एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हो। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि उन सारे के सारे राउथ टेबल में जहां पे ऑड रो कम्प्लीटली जीरो हो जाती है, वहां पे आप रूट्स की लोकेशन बता सकते हो, जो कि पहले भी बता पा रहे थे, बट यहां पे रूट्स की एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हो कि रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर दोनों बता दो, दोनों कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो आप लोकेशन बता दो, उसके बाद आप ये बता दो कि वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पहले पार्ट पे मैं आता हूं लोकेशन पे, ठीक है, ये पॉइंट मैं यहां से रिमूव करता हूं, ठीक है, लेट मी रिमूव दिस थिंग और एक यहाँ पे लाइन और। चलिए सबसे पहले मैं आते हैं हम लोग कंसेप्ट वन पे। कंसेप्ट वन में हम लोग फोकस्ड है सिर्फ लोकेशन पे, इसमें हम लोग फोकस्ड है सिर्फ लोकेशन कैलकुलेट करेंगे, समझ गए ना, यहाँ पे तो बस लोकेशन हमारा मुद्दा है, वैल्यू कितनी आ रही है वो बाद में देख लें। चलो लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ रूट्स
ऑन इमेजिनरी एक्सेस। बॉक्स में बंद कर देते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सेस, ध्यान से देखना मैं क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ। नंबर ऑफ रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप देखिए जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर, क्योंकि कभी कभी दो दो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी अगर दो बार ऑर्डर जीरो होगा, तो इसलिए लिखो हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला जा रहा है। जब भी आपके ऑर्डर जीरो हो जाएं तो लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा आप खुद से मुझे बताइए, खुद से सोच के बताइए कि अगर ऑर्डर जीरो हो गया है ना, तो पोल्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएंगे ना, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में इमेजिनरी पे भी आ सकते हैं, राइट में भी आ सकते हैं, चारों कोने पे भी आ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में बोल रहा है कि पहले तो यही पता कर लो भाई कि नंबर ऑफ रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस कितने आ रहे हैं। तो उसके लिए बोल रहा है जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन उसकी ऑर्डर देख लो, माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। आइए एक बार साइन चेंजेस का यहाँ पे पैटर्न देखते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे से स्टार्ट करना है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन रेफरेंस हो गई, इसके जस्ट नीचे देखना है। आइडियली इसका और इसका साइन तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल रहा है तो इसके नीचे आप देखना स्टार्ट करिए। जरा बताइए इसके नीचे कितने साइन चेंज हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसके नीचे तो एक ही साइन चेंज हुआ है, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर रेफरेंस है तो माइनस से प्लस ओनली वन साइन चेंज, और ऑक्सिलरी इक्वेशन की हाईएस्ट ऑर्डर कितनी है, दो। तो आप मुझे बता सकते हो ये कितना मिल गया, यानी कि ये जो आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा था इसका कोई भी रूट इमेजिनरी एक्सिस पे, इसका कोई भी रूट इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताइए अगर कोई भी रूट इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है तो क्या अभी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि इसके रूट्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो, बिल्कुल बन सकती है। इमेजिनरी ही तो कैंसिल हुआ है, अभी तो तीन पॉसिबिलिटीज और बची हुई हैं, उनमें से भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्योंकि हमने यहाँ पे तो यही लिखा था फ्यू रूट्स विल बी एट फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, हमने ऐसे थोड़ी बोला था कि इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, तो विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो सारी बातें कनेक्ट हो रही हैं बहुत आसानी से, स्मूथली क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। जैसा सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही होता जा रहा है। ये हमारा एक 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 ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशन गलत कभी नहीं हो सकता है। हाँ ये जरूर आपने बोला कि भाई इमेजिनरी पे नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी हो सकता है जो तीन केसेस बचे हैं उसमें से कोई केस यहाँ पे फुलफिल हमारा कर जाए, बोलो ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप ये तो मेक श्योर आपने कर लिया कि भाई इसमें एक भी रूट इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं आएगा, अच्छा बताओ कितने रूट इसके आरएचपी पे आएंगे। उसके लिए तो टोटल साइन चेंज आपको चेक करना चाहिए। तो जब आप टोटल साइन चेंज चेक करोगे तो देखो टोटल साइन चेंजेस आपको कितने दिख रहे हैं, प्लस से माइनस एक, माइनस से प्लस एक। तो आरएचपी पे रूट के कौन कौन से आ जाएंगे, रूट्स ऑन आरएचपी। तो आप बोलोगे आरएचपी पे सर यहाँ पे दो आ जाएंगे, तो एलएचपी पे बता दो कितने आ जाएंगे, एलएचपी पे आ जाएंगे आपके दो, बोलते जाओ। तो ये कंसेप्ट वन था, है ना, जहां पे सिर्फ आपने लोकेशन बताई। अब लोकेशन बताने के लिए उन सारे केसेस में जहां पे ऑर्डर जीरो हो रही है ना, उन सारे क्वेश्चंस में जहां पे ऑर्डर जीरो हो रही है, सबसे पहले ये निकाल लिया करो कि कितने रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री की ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही वो उठा लो, माइनस दो गुणा दो से मल्टीप्लाई कर देना इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे कितने साइन चेंजेस हो रहे हैं। समझ आ गई बात, बोलो भाई। इतने लोग ऐसे हैं कि सर कंसेप्ट टू बताइए, कंसेप्ट वन तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। आप बोल रहे थे कि यहां पे हम एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बताइए।
हाँ, सिमेट्री कैसे पता चलेगी नितिन? जब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये स्टेटमेंट वेरीफाई होना चाहिए। ये तो बस लोकेशन बता रहा है, बोल रहा है कि भाई इमेजिनरी पे कोई नहीं है, दो LHP पे हैं, दो RHP पे हैं। अब वो कैसे लाई करेंगे, कहाँ लाई करेंगे, फिर उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर कंसेप्ट वन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक काम करो कंसेप्ट टू की तरफ बढ़ो। चलो कंसेप्ट टू पे आते हैं। ये देखो कंसेप्ट टू जो हमारा होता है वो होता है लोकेशन। ठीक है, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं ना जहाँ पे ऑर्डर जीरो हो जाते हैं, वहाँ पे हमेशा ये दोनों कंसेप्ट आप डिस्कस किया करो। ठीक है, तो कंसेप्ट टू पे हम लोग आते हैं और बात करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। अभी तक तो लोकेशन की बात कर रहे थे, अब एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें देखिए हमें किसके पोल्स किसके रूट्स कैलकुलेट करने थे, हमें रूट्स कैलकुलेट करने थे रूट्स ऑफ। ठीक है, ये कैलकुलेट करने थे। तो देखो एक बड़ा आपको अमेजिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। सबसे पहली चीज, पहला रूट्स ऑफ ए एस, ये ऐसा मैं बोलता हूं, ये ज्यादा आपको सेंस बना के दे। ए एस इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ डी एस। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज मिल गई, अगर ए एस डी एस का फैक्टर है तो यहां से दो चीजें होंगी, जो रूट्स ऑफ ए एस होंगे वही डी एस के भी रूट्स हो जाएंगे, है ना। और बाकी बचे कुचे रूट्स कैसे निकालोगे, रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, रिमेनिंग कैलकुलेट करने के लिए आप डी एस को ए एस से डिवाइड कर दोगे, जो भी यहाँ से हमें क्यू एस मिलेगा उसको सॉल्व करके रिमेनिंग रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो, तो जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो ना, एक्चुअली क्या होता है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो आपके पॉलिनोमियल का है ना एक फैक्टर होता है। तो अगर वो पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ना, तो जो इसके रूट्स हैं वो डी एस के रूट्स तो हो ही गए, बचे कुचे रूट्स क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इससे डिवाइड कर दो, जो बच के आएगा वो बाकी बचे कुचे रूट्स दे देगा। बोलो भाई क्या ये बात पे हम सभी लोग अलाइंड हैं, आर वी अलाइंड ऑन दिस फैक्ट? आई थिंक यस, परफेक्टली। तो पहला रूट्स निकालना बहुत सिंपल है। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो क्या थी, -2s² + 2। तो अगर मैं ए एस को जीरो पुट कर देता तो हमें मिलता -2s² + 2 = 0। एस की वैल्यू क्या मिल जाती, प्लस माइनस, मिल गए प्लस माइनस वन। देखो और जो यही ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आएंगे ना, ये यही एक्चुअली सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन को हमेशा रिप्रेजेंट करें, हमेशा ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। किसी को अगर कोई डाउट रह गया तो प्लॉट करके देख सकता है कि क्या ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है या नहीं। और जैसा हमने वादा किया था, देखो क्या ये वादा यहाँ पे फुलफिल हुआ है नहीं, ऑड रो अगर जीरो हुई तो फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और वो हमेशा कहाँ से मिलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन चेक करके देखो कहाँ जी ओमेगा एक्सिस पे आए, नहीं आया ना। हमने बोला अभी था जी ओमेगा इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, बाकी चार पॉसिबिलिटी भी हैं भाई, ऐसा नहीं जी ओमेगा पे ही हमेशा लाई करेगा, चेक कर लो। कुछ बात पल्ले पड़ रही है, चलो रिमेनिंग वाला कैलकुलेट करके बताओ, रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट करोगे। ये तो प्लस माइनस वन हो गया, तो जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, हमेशा आपको वही वाले रूट्स मिलने वाले हैं जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। अब वो कभी जे ओमेगा पे आ जाएंगे, कभी ऐसे आ जाएंगे, कभी चारों कोनों में आ जाएंगे, कभी यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा सवाल बाई सवाल। कुछ बात समझ में आ रही है क्या मैं बता रहा हूँ? चलो तो अब पूरी कहानी यहाँ पे आके अपनी कंप्लीट हो जानी चाहिए। पहला स्टेटमेंट आज की क्लास में जो मैंने बोला था से लेके आखिरी स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, दोनों सेम है और दोनों के बीच की कहानी अब पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा अब बात जाके समझ में आई कि राउथ बनाएंगे, राउथ बनाने के बाद क्यों पहली नज़र ऑर्डर जीरो पे जानी चाहिए, क्योंकि अगर पहली नज़र आ गई और ऑर्डर जीरो नहीं हुआ तो जे ओमेगा का लफड़ाई खत्म, LHP RHP में लड़ाई हम देख लेंगे। बट अगर ऑर्डर जीरो हो गई तो जैसे ही ऑर्डर जीरो हुई ये स्टेटमेंट हम लिख ही देंगे, फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और अगर फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आ गया तो दो कंसेप्ट लगा सकते हैं, कंसेप्ट वन में लोकेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया, लोकेशन बता दो आपकी मर्जी है। तो अगर आपको निकालने का मन है तो आप AS को सॉल्व करके अलग निकाल लो और DS/AS सॉल्व करके अलग निकाल दो। DS/AS अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास सॉल्यूशन होनी चाहिए, वी आर ये डिवीजन विवीजन आप करके देखो, ठीक है ये डिवीजन मैं नहीं करूँगा। किसी ने किया हो तो बताओ क्या रहा डिवीजन,
डिवीजन करोगे ना तो आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर माइनस एस प्लस टू, तो डी एस बाई ए एस करोगे ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर माइनस एस प्लस टू, ऐसा करके कुछ आ जाएगा ठीक है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी वन और माइनस वन और माइनस टू आ जाएगा ठीक है। तो वन और माइनस टू की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी बस। अब ये आपके नॉर्मल वाले रूट्स थे। अब अगर आप ओवरऑल पोल जीरो डायग्राम बनाते ना, ओवरऑल पोल जीरो डायग्राम देखो, तो जो हम लोगों ने कंसेप्ट वन में देखा था ना वो यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहा है। चाहो तो आप चेक करके देखो, ये माइनस वन पे था, ये वन पे था, ऐसा ही था। ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से आ गए थे। उसके बाद एक आया माइनस दो पे और एक यहाँ पे जाके ओवरलैप। तो देखो दो एल एच पी दो आर एच पी जैसा हमने, तो कंसेप्ट वन भी वेरीफाई हो गया। आप चाहो तो चेक कर लो। अगला सवाल करोगे अगला सवाल करे बोलो यार जल्दी बोलो। आ गया ना समझ में? समराइज कर दे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। राउथ बनाओ, जहाँ पे ऑर्डर जीरो दिखे वहीं पे लिख दो फ्यू रूट्स विल बी एट फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। लिख दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, उसके आगे कंप्लीट कर लो उसको, फिर फॉर्मूला लगा दो इमेजिनरी एक्सिस पे कितने लाई करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर माइनस टू टाइम्स साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। आर एच पी आप शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हो, फर्स्ट कॉलम में जितने साइन चेंजेस होंगे वो आपके आर एच पी हो जाएंगे, एल एच पी फिर बच्चा खुचा हो जाएगा आपका। बाकी अगर कोई पूछे भाई एग्जैक्ट बताओ तो ए एस सॉल्व कर लेना, डी एस बाई ए एस सॉल्व कर लेना। चलो अगला सवाल देखो साथ में सॉल्व। अब पहला आपने देख लिया, इसको साथ में करते हैं हम लोग ठीक है। आइए देखिए एस टू द पावर सिक्स एस टू द पावर फाइव एस टू द पावर फोर एस क्यूब एस स्क्वायर टू द पावर वन एस टू द पावर सिक्स ठीक है। कुछ समझ में आया राउथ क्या होता है क्या नहीं होता है ठीक है। तो यार ऐसे कंसेप्ट आपको बताने पड़ते हैं ठीक है। एक घंटे का टाइटल डाल के रूट लोकस एंड राउथ और उसमें टाइम पास करने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और दूसरों की गलतियां खोजने से कोई महान नहीं बन जाता ठीक है। पहले आप खुद कुछ पढ़ाइए थोड़ा डिटेल में, तब तो पता चले कि आपको क्या आता है। एक घंटे का टाइम पास करके चले जाओगे फिर दूसरों की दिन भर गलतियाँ निकालोगे, कुछ भी खुद भी तो कुछ करो यार। चलो ये हो गया ठीक है। अच्छा ये दो बारह सोलह को हटा लें, ये जो दो बारह सोलह दिख रहा है इसको मिनिमाइज कर लें, कर लेते हैं एक छः आठ। कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी भाई तो वो है आपके हवाले, समझ गए ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये आपको मिल जाएगा दो, ये मिल जाएगा बारह, ये मिल जाएगा। अब ये देखो जो दो बारह और सोलह दिख रहा है उसको मिनिमाइज कर ले, एक छः आठ लिख ले। अब बोलोगे लिख लो सर वन सिक्स एट, तो कर लेते हैं। अगली रो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा वन इंटू सिक्स सिक्स इंटू वन। इसके बाद भी थोड़ी सी उम्मीद रहेगी कि हो सकता है यार यहाँ पे शायद कुछ मिल जाए, वन इंटू एट वन इंटू एट। जैसे ही ऑर्डर जीरो हो गए ना आप स्टेटमेंट यहीं पे लिख लिया करो ताकि आपके दिमाग में एक मैपिंग हो जाए कि भाई यहाँ पे कुछ कुछ होगा। फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। आप मुझे बता सकते हो ये जो फ्यू रूट्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आने वाले हैं क्या वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के तो रूट्स हो जाएंगे? यस, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स मिलेंगे ना वही सारे के सारे सिमेट्री वाले आपके रूट्स बन जाएंगे। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों की चर्चा करते हैं। ये हो गया तो अब क्या करोगे, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। यहाँ साइड में ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिल जाएगा एस टू द पावर फोर प्लस सिक्स एस स्क्वायर प्लस एट, समझिए ना। ये एस टू द पावर फोर, दो पावर कम करोगे सिक्स एस स्क्वायर प्लस एट, इक्वल टू जीरो नहीं रखना है ठीक है। यहीं से डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा फोर एस क्यूब प्लस बारह एस। इसको अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट से डिवाइड करके, थ्री एस सॉरी ये आपका हो जाएगा एस क्यूब प्लस थ्री एस, ऐसा हो जाएगा, समझ गए ना। फाइन,
आई होप इट इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। बोलो भाई। बोलो। ठीक है चलो, तो अब देखो इसके कोएफिशिएंट क्या लिख लें, एक और तीन, इसको मैं काट के एक लिखता हूँ, इसको काट के तीन लिखते हैं, तो ये जीरो जीरो तो अपना मेंटेन रहेगा। अब बताओ एक इंटू छः माइनस तीन, ये वैल्यू हो गई तीन के बराबर। आगे देखिए वन इंटू एट माइनस जीरो, ये वैल्यू हो गई एट के बराबर, ये जीरो जीरो आगे बढ़ा। फिर नौ में से आठ गया वन बाई थ्री, ये आपका जीरो जीरो, ये आपका हो गया आठ जीरो जीरो जीरो। देखो कितने लोगों ने टेबल मेरे साथ साथ सही से कंप्लीट की, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है लेट मी नो, उसके बाद कंसेप्ट वन कंसेप्ट टू पे आते। कंसेप्ट वन कंसेप्ट टू पे चले। बोलो यार। चलो साइन का मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ, ये लो साइन का सिंबल, प्लस 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 प्लस, ये मैंने साइन का सिंबल बनाया। ठीक है आओ जरा, प्लस ही आ रहा है इसमें होगा। चलो देखो कंसेप्ट वन, ठीक है कंसेप्ट वन पे आ जाओ, ये रहा कंसेप्ट वन। कंसेप्ट वन में अगर हम नोटिस करें तो इमेजिनरी एक्सिस पे बताओ कितने आ जाएंगे रूट्स, इमेजिनरी एक्सिस रूट्स बताओ। हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन कितने की है, चार की, तो ये हो जाएगा चार माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये थी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऐसे डबल टिक कर लिया करो। इसके नीचे कितने साइन चेंजेस हैं, जीरो। आंसर कितना आया, किसने बोला चार रूट्स इसके इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएंगे। दूसरा आरएचपी बताओ, आरएचपी बताओ कितने आएंगे, जीरो। तीसरा एलएचपी बताओ कितने आएंगे, एलएचपी बोलो कितने आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप नोटिस करें तो हमने जो यहाँ पे वादा किया था या हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया था कि भाई कुछ रूट्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएंगे, आ ही रहे चार इमेजिनरी पे आ गए, ठीक है कोई बात नहीं। हमने यही तो बोला था कि कुछ रूट्स इमेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएंगे, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में चार पॉसिबिलिटी थी, हो सकता है वो इमेजिनरी पे आते, हो सकता है रियल पे आते, हो सकता है रियल इमेजिनरी का कॉम्बो आते, हो सकता है चारों कोनों पे आते। ठीक है बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन था हमारा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अब कंसेप्ट टू पे आ जाते हैं, कंसेप्ट टू पे आ जाओ, ये लो कंसेप्ट टू। कंसेप्ट टू में हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन की चर्चा करते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर आप यहाँ से करो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले तो ए एस को ही सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन वाले रूट्स तो यही दे देगा। ए एस इक्वल टू जीरो को अगर आप सॉल्व करें तो एस पावर फोर प्लस सिक्स एस स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो, ये आपका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। और अगर आप यहां से सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो आपको मिलेगा प्लस माइनस टू जे, और ये मिल जाएगा एस इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू जे। आ रहा देखो जैसा हमने सोचा था, बोलिए बोलिए भाई, है ना। और ये देखो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे भाई आपको हमेशा ना सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन वाले ही मिलेंगे। चेक करो ये है पॉसिबिलिटी इसकी, है ना। बाकी बचे कुछ रूट्स आप क्या करिए रिमेनिंग के लिए, डी एस बाई ए एस सॉल्व कर लो। अब यार ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है अभी डिवीजन बताना, क्रैश कोर्स नहीं होता तो मैं बता देता, ये आपका आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, तो ये आपकी हो जाएगी माइनस वन प्लस माइनस। देखो दोनों एल एच पी अप्लाई कर, कॉम्प्लेक्स है रियल है डजेंट मैटर, ठीक है। ओवरऑल अगर इसके पोल जीरो की लोकेशन बनाते तो कैसी बनती, ओवरऑल अगर आप इसके पोल जीरो की लोकेशन बनाते तो कुछ आपको लोकेशन ओवरऑल सब सब कुछ मैं यहाँ पे
ठीक है। माइनस होने बीच में डाल नीचे आएगा टू है ना, ऐसी कुछ लोकेशन आपको दिखेगी। ठीक है, ये लोकेशन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये पहले बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, वन टू दोनों, कितने लोग चैट बॉक्स में बताओ जल्दी लिख के यार कि ये दोनों कंसेप्ट अब पूरी तरीके से क्लियर है सर और थॉट प्रोसेस अलाइंड हो चुका है, करना क्या है क्वेश्चंस में। जैसे ये जीरो हुआ, हम सभी ने सर यहीं पे लिख दिया था फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, डिफरेंशिएट किया, कंप्लीट किया। इसको कंप्लीट करने के बाद डिपेंड करता है उसने लोकेशन पूछा था या वैल्यू, लोकेशन पूछा होता ये हमारे किसी काम का नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन रिडंडेंट है, यहीं से देख के बता सकते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन का बस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये कैलकुलेट किया, और अगर एग्जैक्ट पूछा तो यहीं पर रखा हो। चलो अब एक सवाल बताओ, मान लो ये जो पॉलिनोमियल है अगर ये किसी सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे आप क्या कमेंट करते। अगर ये पॉलिनोमियल किसी सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता तो उसकी स्टेबिलिटी पे आप क्या कमेंट कर सकते थे। परफेक्ट, मार्जिनली स्टेबल। तो आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अब मेरी इस बात पे अग्री करते हैं कि सर हम इस बात पे बिल्कुल अग्री कर रहे हैं कि जो राउत क्राइटेरिया होता है वो किसी भी पॉलिनोमियल के रूट की लोकेशन बताने के लिए होता है, और अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट की लोकेशन मिल गई तो सिस्टम की स्टेबिलिटी तो सेकेंडरी है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका वन, ये हो गया आपका इस 8 और 32 को मैं 1 और 4 लिख लेता हूं। ठीक है, 1 और 4, तो देखो ये 0-0 हो गया, जैसे ये 0-0 हुआ वही गोल्डन स्टेटमेंट्स, फ्यू रूट्स विल बी कहां पे एट और विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यही है ना, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो साइड में, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया एस स्क्वायर प्लस 4, तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट इसको करेंगे आप तो ये मिल जाएगा आपको 2s, इसकी वैल्यू यहां पे आप काटिए लिखिए 2, ये तो 0 ही रह जाएगा, नीचे इसको कंप्लीट करोगे यहां पे मिल जाएगा 4। ठीक है, चलो कंसेप्ट वन, कितने इसके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे हैं बोलते जाओ यार फटाफट, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए ना, इमेजिनरी एक्सिस कितने रूट्स इसके इमेजिनरी एक्सिस पे हैं। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन कितने की है, 2 की, तो 2 माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन प्लस 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 प्लस, ये थे ऑक्सिलरी इक्वेशन, डबल टिक मार लिया करो, इसके नीचे एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसको कर दो 0। तो इसके हिसाब से इसके दो रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करने चाहिए थे। RHP पे कितने दिख रहे हैं, एक भी साइन चेंज नहीं है, इक्वल टू 0, तो बचे कुचे कहाँ पे आ जाएंगे, LHP पे एक इसका पोल आ जाएगा या एक रूट आ जाएगा LHP पे आ जाएगा। चलो अगर इसका एक रूट आपका LHP पे आ गया तो आप मुझे बताइए, ये तो कंसेप्ट वन क्लियर हो गया, कंसेप्ट टू पे आ जाओ। अगर हम कंसेप्ट टू की बात करते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट लोकेशंस की कैलकुलेशन करनी थी, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की आपको कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को ही सॉल्व कर लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको यहाँ से मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एस की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 2j। हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट में और बोल रहा हूँ उसको गांठ बांध लेना हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की बने और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाए उस केस में ये जो वैल्यू आती है ये कहलाती है अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एन की वैल्यू आप 2 लिख सकते थे और इसको बोल सकते थे अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इतने लोगों को ये बात समझ में आई,
ऐसा तभी बोलोगे जब हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 डिग्री की हो, सिर्फ ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, फिर उसके रूट्स भी ज्योमेट्रिक एक्सिस पे आने चाहिए। यानी कि आज की क्लास का जो पहला सवाल हमने किया ये वाला आ गया, ये वाला, इसमें भी देखो हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन कितने डिग्री की आ रही थी, 2 डिग्री की आ रही थी, बट इसके रूट्स ज्योमेगा एक्सिस पे नहीं आ रहे थे। क्योंकि इसके रूट्स ज्योमेगा एक्सिस पे नहीं आ रहे थे, इस वजह से आप इस केस में इसको अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी तभी बोलोगे जब वो प्लस माइनस जे के साथ आपको कुछ दिखे, प्लस माइनस जे ओमेगा एन टाइप का दिखे। तो जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री के ऑक्सिलरी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की हो और उसके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाए, उस केस में आप उसको अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल सकते। आ गई बात समझ में ना? ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं जिसमें आपका ऑर्डर दो बार जीरो हो जाए। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ऑर्डर दो बार जीरो हो जाए। तो रेडी हो आज के आखिरी सवाल के लिए आप लोग? जल्दी बोलो भाई, आज के बिल्कुल आखिरी सवाल के लिए आप लोग रेडी हो जिसमें ऑक्सिलरी जिसमें कि आपकी ऑर्डर दो बार जीरो हो जाए? परफेक्ट, चलो शुरू हो जाओ। इसको भी हमें साथ 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 ही करना है। तो ये हो गया आपका एस पावर 6, एस पावर 5, एस पावर 4, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस पावर 1 और एस पावर। एलिमेंट्स हम लोग उठाते हैं 1, 4, 5, 1, 4, 5, 2, दूसरे हैं 3, 6, 3, 3, 6, 3, तो मैं उसको लिख लेता हूँ 1, 2, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4, 2, 4, 2, तो ये 1 to 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 to 1, अब ये 1 to 1 हो गया तो इसका मतलब ही इसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। जैसे ही इसके सारे एलिमेंट जीरो हुए, गोल्डन स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाना चाहिए, few roots will be at कहाँ पे will be symmetric about origin, है ना? few roots will be symmetric about origin, वो चारों केसेस आपके दिमाग में घूमते रहने चाहिए। साइड में बनाओ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा s टू द पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस s, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4s क्यूब प्लस 4s प्लस 1, अरे ये मैंने क्या बना दिया, s पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना, यहाँ एक बता भी नहीं रहा ना आप लोग, चलो इसको हटाओ। ठीक है, आप चाहो तो 4 से डिवाइड कर लो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, s क्यूब प्लस s हो जाएगा, इसको काटो इसकी जगह 1, इसको काटो इसकी जगह पे 1, ये 0, 0 रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, 1 into 2 - 1 यहाँ पर मिलेगा 1, 1 into 1 यहाँ पर मिलेगा 1, फिर से देखो यहाँ पे 0, 0 बनना स्टार्ट हुआ। जैसी एक आपकी बार ऑर्डर एक बार और जीरो हुई, फिर से आप इसको सर्कल करो और यही सेम स्टेटमेंट रिपीट कर दो। याद रखिएगा मेरी बात को, अगर आपके जो ऑर्डर है वो एक से ज़्यादा बार जीरो होती है तो जब दूसरी बार ऑर्डर जीरो होती है ना, ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपकी ये ऑर्डर जीरो होती है ना, तो पहली बार जीरो हुई, पहली बार जीरो होने से आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो फ्यू रूट्स विल बी एट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो अगर फ्यू रूट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, आपको ये भी पता है कि ये सारे के सारे रूट्स इसी इक्वेशन से मिल जाएंगे अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो। इसके बाद ऑर्डर चाहे जितनी बार जीरो हो जाए वो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगी। जल्दी से इस बात को चेक करो, आंसर बताओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चेक करिए और बताइए यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या गलत है इस फोर में? फोर 5 2 होगा, जब भी आपका स्क्रीन से कुछ मैच ना करे ना तो अपनी कैलकुलेशन पहले चेक करो, समझ गए ना, पहले अपनी कैलकुलेशन चेक करो क्योंकि हो सकता है कि आपकी भी कैलकुलेशन गलत हो सकता है,
लाखों में करोड़ों में एक बार ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शायद आप ही का कैलकुलेशन गलत हो जाए, समझ गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है कभी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी कैलकुलेशन कभी गलत हो जाए। मैं बोल रहा हूँ करोड़ों में एक बार, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस में एक बार ऐसा हो सकता है शायद आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार चेक कर लो, वो बिलियन वाला आज टाइम है तो हम लोग भी थोड़ा सा खुशी मना लेंगे कि भाई एक बिलियन कैलकुलेशन में एक कैलकुलेशन आपकी गलत हो गई, सुपर कंप्यूटर से भी आप फास्ट हो, तो मुझे भी थोड़ा शांति मिलेगी कि चलो भाई कम से कम कंप्यूटर लोग भी तो गलत हो सकते हैं कभी कभार। चेक करो जल्दी, मतलब मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि भाई किसी और से भी गलती, मुझसे तो होती है वो, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ हो जाती है मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक, बट थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि मेरे जैसे कुछ लोग और भी हैं जिनसे थोड़ी गलतियाँ हो सकती हैं कैलकुलेशन। बताओ ठीक है, नहीं दो आरोजेड मल्टीप्लिसिटी कभी नहीं बताएंगे। बोलो भाई यहां तक अगर कैलकुलेशन सही है यार तो आगे बढ़ते हैं, आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी, आप बनी पहली ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक। सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन पे आ जाओ, आप देखो इसके आगे बढ़ानी तो यहां से भी तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसका नाम मैं A1 रख देता हूं सपोज। तो यहां से दूसरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ये आपको मिला एस स्क्वायर प्लस वन, देखो ना एस स्क्वायर, फिर दो की पावर वन करोगे तो यहाँ पे वन मिल गया। अब आप इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2s। अगर ये वैल्यू आपको 2s मिल गई यार, देखो ये वैल्यू अगर आपको 2s मिल गई तो क्या यहाँ पे हमें 2 लिख देना चाहिए था, ये बताइए। तो 2 ये तो 0 ही रह जाएगा, ये भी 0 है, और लास्ट वाले एलिमेंट में आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ये चेक करो, पहले तो ये चेक करो फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये टेबल बनाओ सही सही, ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह लिखो। देखिए यहाँ पे 0 ही थी तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, यहाँ पे आपके ऑर्डर 0 है तो इसके ऊपर वाले से बना लो एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। चलिए फिर से मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ, अगर किसी भी राउट टेबल में आपकी ऑर्डर 2 बार 0 हो जाए तो जो नीचे के सब्सिक्वेंट वाले 0 होते हैं ना वो कोई रिजल्ट नहीं बताते, वो रिडंडेंट होते हैं, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है ना। जैसे आपने बोला ना पहले वाले में लिख दिया फ्यू रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब यह है कि अगर आप हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपको सारे के सारे रूट्स मिल जाएंगे जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे, बस इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप ये नहीं बोलोगे कि सर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहां से भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मिल जाएंगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहां से भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मिल जाएंगे, नहीं जरूरत नहीं है, ये रिडंडेंट है, यहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन के रूट्स होंगे सारी इन्फॉर्मेशन यही देंगे, ठीक है। सोच लो पहले इस बात पर, आप लोग अग्री करो, नीचे वाले जितने भी ऑड रोज होंगे जितने भी जीरो हो रहे होंगे वहां से बस आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के आगे प्रोसीड कर सकते हो, ये हमारे लिए किसी इन्फॉर्मेशन का काम नहीं करेगी। इनफैक्ट ये वही इन्फॉर्मेशन देगी या वही इन्फॉर्मेशन रिपीट करेगी जो ये ऑलरेडी दे चुका है, समझ गए ना। तो जो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका है ये सेम इन्फॉर्मेशन को दोबारा बताएगी, है ना, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेगी, बस दोबारा कन्फर्म कर देगी कि भाई जो आपने यहाँ पे निकाला था उसका एक हिस्सा मैं भी बता रहा हूँ, तो हमें उसकी नीड ही नहीं है, यही सारी इन्फॉर्मेशन बता दे रहा है, तो ये हमारे लिए रिडंडेंट हो गया। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि टेबल को आगे बढ़ाया जा सके। चलो जल्दी से साइन वाइन लिख लेते हैं, प्लस 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 है। चलिए कंसेप्ट वन पे आते हैं, कंसेप्ट वन जल्दी से कंसेप्ट वन में बताओ इमेजिनरी एक्सिस पे कितने लाई कर रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी है फटाफट बताओ। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बोलोगे सर ये भी बन रही उससे फर्क नहीं पड़ता, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सी, चार माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन 4 हो गए। आरएचपी में कितने लाइन कर रहे होंगे, एक भी बार साइन चेंज नहीं। एलएचपी में कितने लाइन कर रहे होंगे, 2, ये आपका गया आंसर। इसी को अगर आपको सपोर्ट करना है तो कंसेप्ट 2 से आप इसी चीज को सपोर्ट कर सकते हो, कंसेप्ट 2 में आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी निकल के बाहर आ जाएगी। कंसेप्ट टू पे अगर आप आए तो आप ऊपर वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन को उठाइए, इस वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन को, ये आपका बन रहा था एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस जे कॉमा प्लस माइनस जे, यानी कि इस बार ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो रूट्स आ रहे थे अगर आप उनकी प्लॉटिंग करते तो प्लॉटिंग में आपको ऐसा कुछ मिल जाता जहाँ पे आपको ये प्लस जे ये माइनस। अग्री करो, अलाइंड हो आप लोग इस बात से, फटाफट बताओ। और यही तो हम बोल रहे हैं भाई इमेजिनरी एक्सिस पे 4 आ रहे हैं, गिन के देख लो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, वो तो पहले ही हमें पता था, ये तो बस सपोर्ट कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बता रहा है प्लस जे माइनस जे। अच्छा यहाँ पे जो प्लस जे माइनस जे आ रहा है क्या ये आपका अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता सकता है, आप बोलोगे सर कभी नहीं बता सकता क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आप बना के दे रहे थे ये 4 डिग्री की दे रहे थे,
अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी 4 डिग्री की आ रही है भाई, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वहां पे अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर पाओगे, है ना। बाकी बच्चे कुछ पोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए डीएस को हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमेशा डिवाइड करना। ये कैलकुलेशन है क्या मेरे पास नीचे, ये कैलकुलेशन भी -1 -2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से मिल जाएगा -1 -2। अगर मैं इसके सारे के सारे पोल जीरो का डायग्राम यहाँ पे बनाता, तो सारे के सारे जो पोल जीरो के डायग्राम बनेंगे यहाँ पे वो -1 -2। बताओ अगर ये वाला आपका पॉलिनोमियल किसी सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता तो मुझे बता दो भाई वो सिस्टम स्टेबल होता अनस्टेबल। ये करके देखना घर पे, ठीक है। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन है मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, ये आपको करके देखना। प्रॉपर डिवीजन नहीं आता तो गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे करते हैं, सीख लेना। तो आपको जेड ट्रांसफॉर्म में भी काम आएगा, यहाँ पे भी काम आ जाएगा, समझ गए। अनस्टेबल, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं खत्म। तो जितने लोगों को भी आज के लेक्चर में शुरू से लेकर आखिरी तक में नए कंसेप्ट सीखने को मिले, उससे भी ज़्यादा एक फीलिंग मिली, उससे भी ज़्यादा मज़ा आया पढ़ के और पता भी नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए, तो वो सारे लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देंगे #मज़ा, ठीक है। तो #मज़ा आ जाना चाहिए कि सर इतना इंटरेस्टिंग राउत होगा हमने कभी सोचा भी नहीं था, आपने तो बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में राउत को मोड़ दिया, ठीक है। कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कल आपको ले चलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी ऑफ स्टडी स्टेट एरर की, उसमें भी आपको बस 3 घंटे मेरे साथ बैठना है, लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा आपके होश उड़ जाएंगे, बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा उसमें बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे, ठीक है। PhD वाले जो सब लोग हैं ना, सबके होश कल उड़ने वाले हैं। मज़ा आ गया, चलो बहुत ही बढ़िया यार, आपको मज़ा आ गया इसका मतलब मुझे मज़ा आ गया। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, सिंपल से 2 रूल मैंने आपको दिए, अब जाओ आराम से सवाल लगाओ, सारे सवाल आपसे लगने वाले। कल कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, थोड़ा सा कंडीशनली स्टेबल सिस्टम वगैरह की भी बात करेंगे, राउत आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह, अच्छा ये सब फॉर्मूलेज वगैरह मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, फॉर्मूलेज लिखे हैं, वो आप लोग PPT से देख लेना, सारी चीज़ें मैं क्लास में रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। बाकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये हम लोग कल क्लास में करेंगे, लाइव करेंगे कल क्लास में, एक्चुअली आज ही करना था बट चलो। थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, वेरी गुड नाइट, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में, इसके आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।